कोई पत्नी को सामने, कोई पैसा को सामने,
नहीं तो 84 लड़के जोड़े में हम नाच ही रहे, लेकिन कब तक नाचेंगे? अरे जब तक ठाकुर को सामने नहीं नाच लेते हो। एक बार ठाकुर जी को सामने आज भगवान जन्म लिया, आज अगर नाच लिया ना सारे नाचना बंद हो जाएगा मेरे। और किसी को सामने नाचने का जरूरत नहीं, केवल सिर्फ आंगे बिहारी को सामने नाचो, ठीक है? थोड़ा शरीर को हिलाओ, नहीं तो सब मोटे आज पतले और पतले मोटे हो जाओ। Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Hare. Hari 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 Hari
द्रौपदी का लाज ठाकुर ने बचाया, जो आज ठाकुर को सामने एक बार हाथ उठाकर पुकारेगा ठाकुर जरूर उसको लाज बचाए। ठीक है, निताई गौर हरी देखो आनंद तो आया, लेकिन लगता है कन्हैया का पार्टी जीत गए। यहाँ पर राधा रानी, राधा रानी का पार्टी में कौन तो नाच रहे थे, लेकिन कुछ तो ऐसे देख रही थी। ऐसे नहीं देखना, सबके सब नाचना, ठीक है। और एक बार I'm
जय जय राधा, ओ जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा हरि बोल, 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 जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, Thank you.
तो हसन और कमल
अब रात भी हाथ से खोता है, अब जान भी हाथ से खोता है। क्या खूबी हुस्न बयान करूं, क्या खूबी हुस्न बयान करूं, ये सुंदर शाम सदा अरे सामा सखी प्राण भर जीवन अरे जो तेरी तरफ सहज देखा और मृत के सबसे क्या रूप माधुरी दर्शत सखी, माधुरी बरसत है चले जाते हैं रस्ते रस्ते तेरी सखी मन मोहन में मन सिद्धिया हंसते हंसते मन सिद्धिया हंसते हरि बोल हरि बोल हरि
से थोड़ी ये नंद का छोरा बरछी मारे जाता है। देखो ये नंद का छोरा बरछी मारे जाता है। अरे बरछी सी तिरछी चित बन के दैनेश्वरी चलाता है। बरछी सी तिरछी के दैनेश्वरी चलाता है। हमको घायल देख के दर्दी मंद मंद मुस्काता है। हमको घायल मंद मंद मुस्काता है। अरे ललित छवि अरे ललित की सोरी जखम जिगर पर भोजपुरी बुझ पाता है। सही तू हमारा है। राधा मोहन छवि चलावे सोई प्रीतम प्यारा है। कालिंदी जले पानी करावे सही उपकारी हमारा है। ललित की सोरी जुगल मिलावे सुमंगियों का तारा है। अरे सुमंगियों का तारा है। सुमंगियों का तारा है। राधा जगन हरि गो Oh,
सुंदर तेरे मुख गहन तेरे हुक पुट बात ही कछु कह गयो तेरे हुक पुट बात ही कछु कह गयो सुंदर नैन तेरे मुख कह गयो तेरे हुक पुट बात ही कछु कह गयो अरे तेरे भुगुराल बाल तेरी गल फुल बाल तेरे भुगुला के मेरे चित्त को चुराए तेरे भुगुला के मेरे चित्त को चुराए जय राधा रमण हरि को जय राधा रमण हरि को Yeah.
ओम ज्ञान निरामिन्दस्य ज्ञानानन्दन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै स्तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः वाञ्छाकल्पतरुभ्यः कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः अजानुलम्बितभुजौ कनकावदातौ संकीर्तनकपितरौ कमलायताक्षौ विश्वम्भरौ द्विजवरौ युगधर्मपालौ वन्दे जगत्प्रियकरौ करुणावतारौ हे कृष्णकरुणासिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकाकान्त श्रीराधाकान्त नमस्तुते तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिय वृन्दाय तुलसीदेवै प्रियाय केशवस्य च कृष्णभक्ति प्रददेवी सत्यवतये नमो नमः तमादिदेवं करुणानिधानं तमालवर्णं सुहृदावतारम् अपार संसार समुद्र सेतु भजामहे भागवतं स्वरूपं जन्प्रभजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायन विरहता तर आयुभावं पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेतुं स्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि नारायणं नमस्कृत्य नरञ्चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदिरै श्रीकृष्णचैतन्यप्रभुनित्यानन्दं श्री अद्वैतगदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृन्दौ हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम सर्वप्रथम मेरे गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रविष्णु विष्णु पाद अष्टोत्तर सत श्री श्री श्रीमाद भक्ति श्रेणु सिद्धांत गोस्वामी महाराज जी के चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात मेरे शिक्षा गुरुपाद पद्म नित्यलीला प्रविष्णु विष्णुपाद अष्टोत्तर सदस्य श्री श्रीमद् भक्तिवेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज जी के चरण सरज में श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करता हूँ। उपस्थित वैष्णव वैष्णवी माता पिता भाई बहन सभी के चरण में मैं यथायोग्य प्रणाम करता हूँ। हरे कृष्णा। आज बहुत बहुत ही अच्छा दिन है क्योंकि आज स्वयं भगवान कृष्णचंद्र इसी धराधाम में प्रभु अवतीर्ण हुए थे, इसलिए समझो जीवन का आज सबसे बढ़िया दिन। ठाकुर जी जन्म हुए आज का और भगवान कलयुग में किस रूप में जगत में अवतीर्ण हुए रहे, भगवान कलयुग में इसी भागवत ग्रंथ रूप में भगवान अवतीर्ण हुए।
इसलिए भागवत में बताए बोले कृष्णा स्वधाम उपगते धर्म ज्ञानादि सह कलौ नष्टा दृशमेश पुराण अर्क धुनादि। जब भगवान कृष्ण ये संसार छोड़ करके चले गए कितने में घोर कलिजुग आ गए, ये कलिजुग अंधकार है। इसलिए भगवान जीव को ऊपर में कल्याण करने के लिए ये श्रीमद् भागवत ग्रंथ रूपी सूरज रूप में प्रभु प्रकट हुए। जैसे सूरज उदय होने पर सारे अंधकार हट जाते हैं और एकदम उजाला उजाला हो जाता है, चोर डाकू बदमाशियों का डर चल जाती है, भय चल जाती है। उसी तरह जब भगवान ये भागवत ग्रंथ रूप में प्रकट हुए एकदम दुनिया को उन्होंने दिव्य आलोक प्रदान किया। इसलिए भगवान कलिजुग में श्री भागवत रूप में प्रकट हुए। बोले और किस रूप में प्रकट हुए? दूसरे रूप में प्रकट हुए बोले कलिजुग के बलना महाधारा, कलियुग के बलना महाधारा, कलियुग के बलना महाधारा, कलियुग के बलना महाधारा। हम लोग श्रवण कर रहे थे सनकादि ऋषियों ने सुत गोस्वामी को छह प्रश्न किया था। छह प्रश्न में जो दूसरी प्रश्न थी कलयुग में भगवान को पाने का सबसे सरल उपाय क्या है, जिसकी उत्तर में श्री सुत गोस्वामी कहते हैं एतत् निर्विद्यमानानां इच्छताम अकोट भयम जोगिनाम नृपनिर्मित हरि नामानुकीर्तन। बोले जितने वेद पुराण उपनिषद ऋषि महापुरुष सब के सब एक ही बात बताए, अगर कलयुग से कोई मुक्ति पाना चाहते हैं क्या करे? केवल भगवान का नाम ही जप करे। इसलिए कलयुग में और कुछ भी करने का जरूरत नहीं, योग ज्ञान ध्यान तपस्या किसी चीज की जरूरत नहीं, केवल हरि नाम कीर्तन ही करे। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं अगर हरिनाम कीर्तन करोगे तुम्हें सात वस्तुओं की प्राप्त होगा, सात चीज तुम्हें मिलेगा। बोले क्या क्या चीज है? बोले चेत दर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि निर्पापणम श्रेय कैरव चंद्रिका वितरणम विद्या बधु जीवनम। महाप्रभु कहते हैं हरिनाम करने का जो पहला फल है बोले चेत और दर्पण मार्जन, कहते ये चित्तरूपी जो दर्पण है ये साफ हो जाए। जैसे कपड़ा अगर गंदगी हो जाए हम क्या करते हैं? साबुन से नहीं तो सोडे से क्या कर सर्फ से उसको साफ करते हैं, लेकिन तिल को ऊपर में जो मैला जम गया उसको कैसे साफ करोगे? वहां पर तो साबुन और सर्फ में साफ होने वाले नहीं, इसलिए उसको कैसे साफ करोगे? महाप्रभु कहते हैं भगवान का नाम जप करो, भगवान की नाम को जप करो। एक बार हाथ उठा करके बोलो, बोले हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम राम हरे हरे। बोले ये हरि कीर्तन से ही ये हृदय रूपी दर्पण साफ हो जाए, हैं? बोले उसका दूसरा फल क्या है? बोले भव महादावाग्नि निर्वापणम,
उन्होंने उदाहरण दिया कि जो संसार नहीं ये दुखालय असासन, संसार केवल एक दुख का घर है। कोई तन से दुखी, मन से दुखी, धन से दुखी, परिवार से दुखी, काम से दुखी, दुखी 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 दुखी। अगर ये दुख से अगर कोई पार होना चाहते हैं, आपको और कुछ भी करने का जरूरत नहीं। महाप्रभु कहते केवल हरि नाम कीर्तन करो, केवल हरि कीर्तन से ही तुम्हारे जीवन का सारे दुख कष्ट केवल हरि नाम कीर्तन से ही दूर होगा, और किस और कोई उपाय नहीं। जैसे घर में बहुत ज्यादा परेशानी है, कहीं ज्योतिष इधर उधर जाने का कोई जरूरत नहीं, घर में बैठ जाओ और पूरा परिवार को लेकर के बैठो। बैठ करके घर में अगर ढोलकी मजीरा हो तो अच्छी बात है, अगर ये कुछ भी नहीं हो केवल हाथ ठाकुर ने दिया है, केवल हाथों में ताली बजाते हुए केवल घर में कीर्तन करो, आप स्वयं देखना घर का जितने दुख कष्ट है कितना मंगल भवन अमंगल हरि, आप स्वयं देखोगे। आप लाख प्रयास कर लो ये दुख जाने वाले नहीं, लेकिन प्रभु का केवल कीर्तन करो। शंकर जी दुनिया को सब कुछ देते हैं, मैया देवी दुनिया को सब कुछ देती हैं, गणेश जी हनुमान जी दुनिया को सब कुछ देते हैं, कहीं से कमाई करते हैं क्या? नहीं। तो स्वामी जी कहते हैं केवल नाम का बल पर शंकर जी दुनिया को सब कुछ देती हैं, देवी सब कुछ देती हैं केवल नाम के बल पर। इसलिए हनुमान जी को देखो, दिन भर कोई काम धाम नहीं, बस मजरा रह करके रघुपति राघव राजा राम पति पावन, केवल ठाकुर का नाम जप करते हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु के एक भक्त हुए तथा सुना महाप्रभु, वो चार भाई थे, पत्नियां परिवार है बहुत बड़ा परिवार, लेकिन ये चार भाई और चार बहू बच्चे कोई काम धाम नहीं करते थे, चारों को चार घर में बैठ करके अपना परिवार को लेकर के ये मजीरा मृदंग लेकर के दिन रात केवल इसी हरि नाम कर सकते, दिन रात हरि कीर्तन करते थे। एक दिन श्री चैतन्य महाप्रभु आए, उनका नाम था श्रीवास पंडित, हम कहते हैं ना श्री कृष्ण चैतन्य, उसके बाद में बोलो प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि श्री गौर। उसमें जो श्रीवास पंडित है वो श्री नारद जी के अवतार है। अभी पूरा पूरा परिवार बैठ करके दिन भर हरि कीर्तन करते थे। एक दिन श्री चैतन्य महाप्रभु आए, बोले श्रीवास पंडित तुम्हारी इतना बड़ा परिवार लेकिन तुम कोई काम धाम नहीं करते हो, दिन भर बैठ करके हैं चारों भाई बहू बच्चे केवल ये हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे, तीन बार बैठ कर कभी हरि नाम करते हो तुम्हारी इतना बड़ा परिवार कैसे चलेगा। देखो वो क्या उत्तर देते हैं, तो उन्होंने हाथों में उन्होंने तीन बार केवल ताली बजा दी, बोले मैं तुम्हें प्रश्न कर रहा हूँ तुम्हारी संसार कैसे चलेगा और तुमने ये तीन बार ताली क्यों बजा दी। बोले प्रभु आप ही गीता में प्रतिज्ञा की है, ये गीता का श्लोक है, बोले भगवान गीता में कितने बड़ी भगवान प्रतिज्ञा ली। बोले हे अर्जुन जो व्यक्ति अनन्य मतलब न अन्य और किसी देवादी को पूजा नहीं, आज इसकी पूजा कल उसकी पूजा कल उसकी पूजा, बोले नहीं उसमें अनन्यता की नष्ट हो जाती है, अनन्य भक्ति उसमें नहीं रहती है। भक्ति करनी चाहिए मीरा जैसे कि मेरे तो गिरिधर गोपाला दूसरा न कोई, जैसे गोपियां जैसे भक्ति की, जब उद्धव जब ब्रज में गए गोपियों की ज्ञान की बात करने के लिए कोशिश की, अरे भगवान तो सर्वत्र घटघट वासी, जहाँ याद करके वहीं पर आ जाएंगे, बैठ करके ध्यान करना। गोपियां क्या कहती, बोले कृष्ण उद्धव है उद्धव मन ना भयो दस बीस, एक मन सो गए श्याम संगे को आराध ईस, ये मन दस बीस नहीं है, ये तो मन एक ही है, लेकिन कृष्ण जब से वृंदावन छोड़कर गए ये मन उनको ही साथ में चला गया। तो ध्यान की बात करते हो,
ध्यान तो मन से होता है ना, लेकिन मन तो एक ही है, वो मन तो कृष्ण के साथ में गया। भक्ति ऐसे होनी चाहिए, कनिष्ठ भक्ति होनी चाहिए। इसलिए कृष्ण कहते हैं अर्जुन अनन्या, अनन्या मतलब ना अन्य और किसी की नहीं, जो केवल मेरे भक्ति मेरी भावना मेरे भजन में डूबे हुए रहते हैं। इसलिए कृष्ण गीता में अर्जुन को जो सर्वश्रेष्ठ उपदेश दिया है, जानते हो गीता का सर्वश्रेष्ठ उपदेश दिया है, पता है कौन बता सकते हो? गीता में कृष्ण अर्जुन को जो सर्वश्रेष्ठ उपदेश दिया पता है? ये श्लोक है, बल मन मना भव मद भक्त भव माम जाजी माम नमस्कृ। ये गीता का सर्वश्रेष्ठ उपदेश है। बोले हे अर्जुन मन मना भव, ये मन और किसी को मत दो, ये मन केवल मुझे। बोले भक्त बने तो बोले मेरी भक्त बनो, बोले पूजा कर तो बोले मेरी पूजा करो, बोले नमस्कार कर तो बोले मुझे ही नमस्कार करो, इसलिए जो कुछ करते हो मुझे ही करो। बोले ऐसे करने से क्या होगा? बोले माम एससी तो मुझे ही प्राप्त करोगे। बोले तेरे को पाने से क्या होगा? बोले मेरी मेरे को भक्ति करने से जत गत्वा न निवर्तन्ते, जहां जाने पर जीव वहां से पुनः ये माया की संसार नहीं आती। अगर तुम दूसरे देवा देवी को पूजा करोगे, इसलिए कृष्ण कहते हैं जानती देव प्रता देवा, जो देवा देवियों को पूजा करते वो देव लोग जाते हैं। बोले भूतानी जानती भूते जिया, जो भूतों को सेवा करते वो भूत लोग जाते हैं, जो पितृपुरुषों को पिता माता की सेवा करते वो पितृलोक में जाते हैं। लेकिन कब तक वहां रहोगे? बोले जावत पुण्यम न समाप्त, जब तक तुम्हारी पुण्य समाप्त नहीं हो जाता है तब तक वहां रहोगे, और पुण्य खत्म होते ही फिर धक्का मार करके तुमको यहीं गिरा देंगे, फिर संसार में आना पड़ेगा। लेकिन जो केवल मेरी उपासना करते हैं जत गत्वा न निवर्तन्ते, जहां जाने से पुनः ये माया की संसार में आना नहीं पड़ता है। इसलिए कहते चेत दर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि निर्वापन। कृष्ण कहते हैं अर्जुन अगर ये हरि नाम करोगे, जन्म जन्मांतर से जो जन्म मृत्यु को चक्र में पड़े हुए जो दुख कष्ट भोग करते हो, चिरकाल के लिए सारे दुख कष्ट तुम्हारी समाप्त हो जाएगी अगर ये हरि नाम कीर्तन को अगर करोगे तो। एक बार हाथ उठा कर बोलो बोल हरे कृष्णा कोई बोल नहीं रहे श्री कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम हरे राम राम हरे हरे। बोले हरि नाम करने का तीसरा प्रत्यय को ध्यान देकर सुनाओ। जब ये श्लोक को व्याख्यान करूंगा फिर तुमको पूछूंगा क्या क्या किसने किसने क्या सुना है। हरि नाम करने से सात फल मिलता है, अभी मैं इसको बाद में पूछूंगा, अभी मैं बोल रहा हूँ बाद में आपको बोलना पड़ेगा, ठीक है? ऐसे सुनना जैसे बाद में मेरे को सुना सकते हो। बोले हरि नाम करने का तीसरा फल क्या है? बोले श्रेयः कैरव चंद्रिका वितरणम, मतलब है हमारे हृदय को उदाहरण दिया एक कुमुदिनी फूल जैसे है, जो रात को खिलती हो फूल, ये चंद्रमा का किरण से। बोले भगवान का नाम क्या है? बोले ये चंद्रमा है। जैसे चंद्रमा का किरण पड़ने पर वो फूल खिल जाती है, हमारा हृदय रूपी जो फूल है कुमुदिनी अभी बंद हुआ है। बोले बंद हुआ मतलब क्या है? संसार का दुख कष्ट से हम दुखी दुखी हैं। लेकिन जब भगवान की नाम करोगे, ये नाम रूपी चंद्रमा का किरण जब ये हृदय रूपी फूल को पर गिरेगा तो तुम्हारी हृदय खिल जाएगी। खिल जाएगा मतलब क्या? तुम्हारे हृदय आनंद में भर जाएगा, तुम्हारी हृदय तुम्हारी आनंद में भरपूर हो जाएगी अगर भगवान के नाम को जप करोगे तो। बोले उसका चौथा फल क्या है? बोले श्रेयः कैरव चंद्रिका वितरणम, बोले विद्या वधू जीवनम। उदाहरण दिया जो विद्या है वो एक बहु है, लेकिन ये विद्या रूपी बहु का जीवन स्वरूप क्या है? बोले भगवान का नाम। बोले मतलब क्या? बोले मतलब है हम जो पढ़ाई करते हैं एमए पीएचडी डॉक्टर इंजीनियर हम बन रहे हैं, कहते ये पढ़ाई का फल क्या है? बोले ये पढ़ाई का फल है
अगर भगवान का नाम में तुम्हारी रुचि हो गई, समझना तुम्हारी पढ़ाई सार्थकता हो गया। इसलिए मीरा कहती है, ढाई अक्षर पढ़ा जो जग में पंडित सो। प्रेम जो ढाई अक्षर जिसने जगत में पढ़ लिया, समझो जगत में वो सबसे बड़ा पंडित है, जगत में सबसे बड़ा पंडित है। लेकिन सारे ग्रंथ शास्त्र पढ़ लिया, लेकिन भगवान के नाम में तुम्हारी रुचि नहीं, भगवान के नाम नहीं कर रहे हो, वो पढ़ाई पढ़ाई कुछ जीरो ही है, वो पढ़ाई का कोई महत्व नहीं। इसलिए इस दुनिया में देखो, भले ही जो कुछ पढ़ो, भले ही जो कुछ पूजा करो, लेकिन जब अंतिम समय आएगा, जब चार व्यक्ति कंधे पर ले जाएंगे, क्या बोलते बोलते ले जाएंगे? कोई बोलेगा तेरे एम ए सच्चा है, तेरी पी एच डी सच्चा है, तेरी डॉक्टरेट सच्चा है, तुम्हारी इंजीनियरिंग सच्चा, कोई बोलता है? वहीं पर बोलेंगे राम नाम सत्य है, गोपाल नाम सत्य है, सत्य बोल गत्य है, सब कोई बात झूठा है, सब झूठा है तुम्हारी। इसलिए मीरा कहती है, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। देखो श्रीमन महाप्रभु जब छोटे बच्चे थे, 15-16 साल के, महापुरुष स्वयं एक टीचर थे। अगर चैतन्य महाप्रभु के पास में एक महीना कोई पढ़ाई कर लेना, वो इतना बड़ा विद्वान बन जाता है, जगत में कोई हरा नहीं सकते। एक महीना में इतने बड़े विद्वान बना देते। एक पंडित था केशवदास, बहुत बड़ा, उसने माँ सरस्वती को उपासना करते हुए माँ सरस्वती को उन्होंने वशीभूत कर दिया। सरस्वती ने बोले, बेटा वर मांगो, बोले मेरे को ये वरदान दो, पृथ्वी में मेरे को कोई नहीं हरा सकता, मैं सबको हरा दूँ। मैया सरस्वती बोली, कोई चिंता नहीं, मैं तेरे जिह्वा के ऊपर बैठ जाता हूँ, जब तू कुछ बोलोगे, तुम नहीं बोलोगे, मैं स्वयं बोलूँ। उसने सारा दुनिया में सारे पंडित को उन्होंने परास्त करके अपना वशीभूत कर दिया। और जब चलता था साथ में हजार हजार हाथी घोड़े, और जितने पंडितों को वो परास्त करता था, इसकी चेले बन जाते थे, गाजी बाजी को साथ में चलता था, बहुत बड़े विद्वान, क्योंकि माँ सरस्वती स्वयं बैठ करके बात करती थी। उसको पता चला सारा पृथ्वी मेरी जय हो गई, लेकिन एक नवद्वीप धाम है, अगर वो नवद्वीप धाम को अगर मैं जय कर दिया, पृथ्वी मेरी हाथ की मुट्ठी में आ जाएगी, हाँ, हाथ मेरी हाथ की मुट्ठी में आ जाएगी। उसने नवद्वीप धाम में आया। अभी नवद्वीप धाम में बहुत बड़े बड़े पंडित रहते थे, दुनिया जानता था नवद्वीप में बड़े बड़े पंडित हैं। जब वो व्यक्ति आने लग गया, अभी सारा दुनिया तो डर गई, बोले माँ सरस्वती जिसकी जिह्वा में बैठ करके बात करती है, उनको कौन परास्त कर सकते, कोई कर ही नहीं सकते। सोचा अभी क्या किया जाए, बोले एक काम करो, ये जो निमाई पंडित, चैतन्य महाप्रभु का बचपन का नाम था निमाई, कहते ये कभी कभी हमें ऐसे प्रश्न करता है जिनका प्रश्न का हम कोई उत्तर नहीं दे पाते। अगर वो विद्वान आएगा ना, ये निमाई महाप्रभु का साथ में हम भिड़ा देंगे। अगर किसी तरह से महाप्रभु के पास में वो परास्त हो गया, बोले देखो एक 15-16 साल बच्चे को सामने परास्त हो गया, अगर ये हार गया ना, अरे बोले बच्चा ही था, हार गया तो क्या हो गया, हम ऐसे ही बात को टाल देंगे। अभी महाप्रभु के साथ उसकी टकराव हुई। जब टकराव हुई, वो इतना बड़ा विद्वान था, महाप्रभु गंगा किनारा में बैठे हुए थे, हजार हजार शिष्यों को साथ में आए, और महाप्रभु बोले एक काम कर विद्वान जी, ये जो सामने गंगा बह रही ना, थोड़ी सी गंगा की महिमा तुम व्याख्या करो। उसने कोई श्लोक को उन्होंने याद करके नहीं, श्लोक को बना बना करके, जैसे आंधी तूफान है ना, झड़ आंधी जैसा आती है, ऐसे उन्होंने धड़ाधड़ श्लोकों को बनाना शुरू किया, और ऐसे श्लोकों को बोल रहा था, वहां पर लोग देख देख कर दंग रह रहे थे, बाबा रे इतने बड़े विद्वान, इतने बड़े विद्वान। लेकिन महाप्रभु उनको बात बात में, महाप्रभु उनको परास्त कर दिया, एकदम बात बात में उन्होंने परास्त कर दिया। जब परास्त कर दिया, वो विद्वान इतने दुखी हो गया, बोले कोई बड़ा पंडित को पास में अगर मैं परास्त होता तो कोई बात नहीं, एक छोटे बच्चे को सामने में परास्त हो गया, लगता है मैया सरस्वती मेरे ऊपर नाराज है। और उसने आ करके माँ सरस्वती के मंत्र को पूजा करते करते, हाँ मंत्र को जप करते करते सो गया। देखो ध्यान देकर सुनो, माँ सरस्वती क्या कहती है,
माँ सरस्वती स्वयं स्वप्न में प्रकट होती है, बोले बेटा केशव कश्मीर आज तुम्हारी पढ़ाई सार्थकता हुई, जानते हो ये निमाई पंडित कौन है? कहती ये मेरे पति है, ये मेरी पति है, तुम तो बोलता नहीं था, तेरी जीवा को ऊपर में मैं स्वयं बैठ करके बोलता था, स्वयं मैं बोलती थी, और पति को सामने पत्नी कभी सर उठाकर थोड़ी बोल सकता है, ये मेरी पति है, इसलिए ये साधारण बालक नहीं, ये स्वयं भगवान कृष्ण है। बेटा तभी विद्या की सार्थकता है जब तुमको विद्या के द्वारा जब भगवत दर्शन हो जाए, जब भगवान जब मिल जाती है, समझना तुम्हारी विद्या पढ़ना सार्थकता हो गया, समझो आज तुम्हारी विद्या की सार्थकता हो गई। बोले क्यों? बोले आज मेरे प्रभु श्री भगवान का दर्शन तुम्हें हो गया। बोले मेरी कृपा दो तरह का कृपा है, बोले जिसको मैं कृपा नहीं करता करती हूँ उसकी उसको इसी जगत का कुछ डिग्री दे देता हूँ, जैसे MA PhD डॉक्टर बन जाता है, CA बन जाता है, बताओ बनकर करते हैं क्या? बेटा दिन भर गद्दे जैसे काम करते, दिन भर आठ आठ दस घंटा, दस दस घंटा, बारह बारह घंटा, दो दो घंटा अपना गाड़ी में जाओ, वहाँ पर आठ घंटा दस घंटा काम करो, फिर आकर भी घर में सो जाओ, फिर घर में आओ, फिर गाली वाले जो पत्नी की सुनो, आज सब्जी नहीं, बच्चे को तुमने पढ़ाया नहीं, अभी पेपर आ गया, बच्चे के लिए कपड़ा नहीं, दिन भर क्या करते बताओ? संसार रूपी चक्कर में दिन भर फंसे हुए रहते हैं, लिखा पढ़ा सीख करके यही जीव कर रहे हैं। सरस्वती कहती है मैं उसको एक गधा बना देती हूँ, वो गधा बनकर दिन भर संसार में काम करता है। देखो एक संत एक कथा सुना रहे थे, जब शादी होती है ना, वो दूल्हा घोड़े के ऊपर बैठता है, घोड़े के ऊपर बैठता है ना, जिस घोड़े के ऊपर बैठा था वो दूल्हा, वो घोड़ा बड़ी जोर जोर से हंस रहा था, और ये जो घोड़ा सामने जा रहा था, घोड़ा ने कहा भैया आज तुम ये डबल हंस रहे क्यों? तुम तो वैसे ही हंसते हो, लेकिन आज ये डबल क्यों हंस रहे हो? कारण क्या? वो घोड़ा कहता है कि इसलिए मैं आज ये डबल हंस रहा हूँ, वो ऐसे ऐसे घूम करके वो दूल्हा को देख देख कर हंस रहा था। बोले तुम ये दूल्हे को देख कर हंस रहे क्यों? बोले इसलिए हंस रहा हूँ, ये आज मेरे पीठ के ऊपर बैठा है ना, ये दूल्हा बनकर आज ये पीठ पर बैठा, पर ये कल से ये घोड़ा बनना शुरू हो जाएगा, ये स्वयं घोड़ा बनेगा कल से, और आज रथ पर बैठ करके और दूल्हा बनना। आप देखना जब कोई लड़की शादी करके अपना ससुर घर जाता है, देखना बहुत रोती है। एक समय किसी लड़की की शादी हुई, वो जाएगी ससुर घर, इतने रो रही थी, इतने रो रही थी, उसका रोना बंद ही नहीं हो रहा था, सब उसको समझा रहे थे कोई बात नहीं, कुछ दिन बाद में फिर इधर आ जाना, फिर जाना, क्यों रो रही हो? इतने में उसको पत्नी का क्यों रो रहे हो? चुप हो, क्यों रो रहे हो? चुप हो जा। वो पत्नी को उसका बीबी कहती है शादी का पहला दिन आज मैं रो रहा हूँ, कल से मेरा रोना बंद, कल से तेरा रोना शुरू हो जाएगा। इसलिए यहाँ सरस्वती ये स्वयं कहती है, ये सरस्वती स्वयं कहती है मैं जिसको ऊपर में कृपा नहीं करती हूँ उसको इसी जगत का डिग्री दे करके एक गधा में बना देती हूँ। बोले हे पंडित मैं जिसको ऊपर में सही सही कृपा करती हूँ, विद्या का जो फल है वो भगवत प्राप्ति, भगवत दर्शन करा लेता हूँ, आज समझो मेरी पूरी तेरे ऊपर में कृपा हो गई, जाओ उनको चरण में जाकर माफी मांगो और भगवान का नाम ग्रहण करो। जो पंडित को माँ सरस्वती ये बात बताए, पंडित एकदम सवेरे सवेरे महाप्रभु के पास में गए, उनके चरण में गिर पड़े, बोले प्रभु मेरे ऊपर में कृपा करो, सरस्वती स्वयं मेरे को बताए आप सरस्वती का पति स्वयं गौर नारायण हो, आप मेरे ऊपर में कृपा करो। देखो महाप्रभु क्या कहते हैं, महाप्रभु उसको समझा रहे हैं, देखो विद्वान विद्या पढ़े के न, ये बंगला भाषा है, बोले विद्या पढ़े के न, मतलब लोग विद्या क्यों पढ़ते हैं, हैं? बोले कृष्ण भक्ति जानी वाले, कृष्ण भक्ति को जानने के लिए वो विद्या पढ़ता है, से यदि नहीं लता रे विद्या की करे, अगर इतने लिखे पढ़ करके अगर प्रभु का भजन ही नहीं किया फिर वो विद्या क्या क्या महत्व है? बोले पंडित एध छाड़िया चली ले, जब तुम्हारी ये शरीर छूट जाएगी ये विद्या व पौरुष कुछ संग नहीं चले, ये जितनी तुम्हारी डिग्री है वो सारी डिग्री यही रह जाएगी,
तेरे साथ में कुछ भी जाने वाले नहीं, बोले इतने एक महान तो तुम्हें सर्व परिहरी करेन ईश्वर पूजा दृढ़ चित्त करके भगवान स्वयं करे। विद्या की वही सार्थकता है जब तुम्हारी भगवान के नाम में रुचि हो जाए, तभी ये विद्या की सार्थकता है। और यही प्रभु का नाम धन ही अंतिम समय में जाएगा और कुछ भी नहीं जाएगा। इसलिए तुम सारे अभिमान को छोड़ो, छोड़ करके भगवान की नाम को जप करो। लेकिन हम क्या जानते हो, हम लोग क्या स्वप्न देखते हैं अभी का जो बेटा बेटी, हम तो बॉलीवुड में हीरो हीरोइन बने, इनका बहुत बढ़िया का स्वप्न है हम बॉलीवुड में हीरो हीरोइन बनेंगे। बोले भैया 10-20 साल पहले जो हीरो हीरोइन थे, अभी दुनिया उनका कोई नाम ले रहा है? श्रीदेवी का नाम जानते हो? बताओ तो कैसे बनी, इतने पी करके रखी थी बाथरूम में, वो स्नान करते रहते टब में मर कर खत्म हो गई है। इसलिए 10-20 साल पहले जो हीरो हीरोइन है, अभी दुनिया में उसको कोई नाम ले रहा है कोई? अरे बोले अभी बताओ ना कौन सा हीरो हीरोइन, पहले हीरोइन का नाम नहीं पूछते हैं। लेकिन हनुमान जी को देखो, ये सही हीरो है। कितना साल पहले आए? करोड़ों साल पहले आए। ध्रुव जी कब, कितना साल पहले आए? प्रहलाद कितना साल पहले आए? वाल्मीकि कब आए? सत्य युग में करोड़ों करोड़ों साल पहले आए। देखो उनका नाम जगत में अमर हो गया है, अभी घर घर में उसकी पूजा होती है, दुनिया आप उनका नाम लेती है। जगत में बहुत सारी स्त्रियां हुई है, लेकिन किसी स्त्री का नाम नहीं लेते। लेकिन आप मीरा का नाम लेते हैं, गोपियों का नाम लेते हैं, कर्माबाई का नाम लेते हैं। इसलिए कहते हैं हीरो हीरोइन बनना है ना, भगवान की भक्त बन करके दिखा दो। अगर भगवान की भक्त बन करके हीरो बन गए ना, देखना दुनिया जब तक रहेगा तब तक तुम्हारी नाम होगी। इसलिए यहाँ पर कहते हैं विद्या वधु जीवनम, विद्या पढ़ने का जीवन किया है, बोले भगवान के नाम, भगवान के नाम में रुचि हो गया, समझो तुम्हारी सब विद्या पढ़ना सार्थकता हो गया। अगर प्रभु का नाम में रुचि नहीं हुआ तो सब जीरो है, सब जीरो तुम्हारी। इसलिए एक बार हाथ उठा कर बोलो, बोले हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। बार जोर कर बोलो, बोले हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। बोले विद्या बुद्धि जीवनम आनंदा बुद्धि वर्धनम, कहते हरिनाम करने का पंचमा फल किया है। बोले आनंदा बुद्धि वर्धनम, बोले आनंद रूपी जो अमृत है, आनंद रूपी जो समुद्र है, वो बढ़ती रहेगी। ये आनंद कभी कम नहीं होगा, ये आनंद हर समय बढ़ते रहेंगे। लेकिन दुनिया का जो आनंद है वो घटती रहती है, दुनिया के आनंद घटती रहती है। बोले ये दुनिया का प्रेम कहाँ से शुरू होता है? बोले आई लव यू, यहीं से ये दुनिया का प्रेम शुरू होता है। कुछ दिन बाद में आई लीव यू, और कुछ दिन बाद में आई की लीव, फिर जाकर कोर्ट में जाकर के चक्कर काटते हैं, कोर्ट में जाकर चक्कर काटते हैं, समझ रहे ना? हाँ समझ रहे हो। इसलिए दुनिया का प्रेम ऐसे ही है, हैं? इसलिए पत्नी पहले कैसे लगती? बोले चंद्रमुखी, एक चंद्र आकाश में और एक चंद्र मेरे पास में। कुछ दिन बाद में वही चंद्रमुखी बन जाती है, फिर सूर्यमुखी, फिर कुछ दिन बाद में ज्वालामुखी, फिर तो लड़ाई झगड़ा, एक बोले 10, 10 बोले 20। ये जगत का आनंद देखना, कोई भी चीज देखना, वो धीरे 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 घटती है। बढ़िया से बढ़िया कोई सिनेमा आ जाए, बोले क्या सुंदर है, एक बार देख लिया, अगर दो बार देख लिया ना किसी तरह से देख लेगा, अगर तीसरा बार देख लिया तो बड़ी कष्ट से, चौथा बार बोले और नहीं देख सकते। जितने बढ़िया से बढ़िया हो, हैं? इसलिए एक रसगुल्ला खाओ, बोले कैसे? बोले बहुत बढ़िया है। दूसरे रसगुल्ला खाओ, बोले कैसे? बोला ठीक है। बोले तीसरा बोले हाँ ठीक, बोले चौथा बोले और नहीं। अगर चौथा जोर से खा लिया ना, बोले पंचमा खाएगा तो उल्टी हो जाएगी। आप देखना उस दुनिया की जितने आनंद है, बेटा नहीं बेटा नहीं बेटा नहीं, पागल बेटे के लिए बेटा हो गया, फिर बेटा बात नहीं सुनता, बेटा बात नहीं सुनता। ये जगत में हर चीज को देखना, आनंद धीरे 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 घटते आएगी। बेटा कहीं खो गया,
कहीं बेटा खो गया, मेरे बेटे कहाँ खो गया, मेरा बेटा पागल हो जाते हैं। अगर 8 दिन 10 दिन को बाद में मिले ना, उसको गोद में लेकर, तू कहाँ चला गया था, तू कहाँ चला गया था, तू कहाँ चला गया था, एक बार लेगा, दो बार लेगा, तीन बार लेगा, बोले जब खेल जब खेल। आप ये जगत में हर चीज को देखना, जो आनंद है ना वो धीरे धीरे धीरे, कोई बढ़िया से बढ़िया कोई साड़ी पहने, सूट सलवार पहने, एक दिन अच्छी, दो दिन, चार दिन फिर अच्छी लगेगी, और ये जगत का हर आनंद देखना घटती रहती है, लेकिन यहाँ पर प्रभु का जो भक्ति कभी घटेगी नहीं। बोले प्रतिपदम पूर्णामृता आस्वादनम, आप देखना वृंदावन में संत लोग तीन तीन लाख हरि नाम करते, तीन तीन लाख रोज 24 घंटा प्रभु का नाम ही जप करते हैं। आप भी हरि नाम करते हो, कभी अरुचि लगती है, देखना जितने हरि नाम करो उतना आनंद, उतना आनंद, उतना रस ही रस है। इसलिए हमारे एक संत कहते हैं, बोले तुंडे तांडव निमित वितन होते तुंडा बलि लभै कर्ण क्रड़ो कड़मिनि घटयते कर्णा बुधेव स्प्रिया। वो संत कह रहे हैं कि जो कृष्ण ये दो अक्षर भगवान पता नहीं इसमें कितने रस ना जाने भर दिया, जब ये जीवा में उदय होता है वो तो ब्रह्मा जी को निंदा करता है, ब्रह्मा तो सृष्टि करना जानता ही नहीं, इतने मीठा नाम को करने के लिए एक जीवा क्यों दे दिया, उनने करोड़ों करोड़ों जीवा क्यों नहीं दिया। जब कान में प्रवेश करता है बोले दो ही कान क्यों दे दिया, अर्बुद खरबुद कान क्यों नहीं दिया। जब हृदय में प्रवेश करता है इतने आनंद लगता है जैसे रस बरस रहे हैं। इसलिए जैसे आप घर में कोई तो रोज रामायण पढ़ते होंगे, किसी देवी की स्तुति अलग अलग स्तुति पढ़ते होंगे, लेकिन कभी पढ़ते तो अरुचि आती है, अरुचि समझते उसमें पढ़ते पढ़ते कभी ऐसे लगता है नहीं अब नहीं पढ़नी चाहिए। रोज पढ़ते हो, ठाकुर को रोज दर्शन करते हो सवेरे दोपहर शाम, लेकिन ठाकुर जी का जब जब देखो ना तब तक ठाकुर जी नहीं 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 दिखते हैं। इसलिए कहते भगवान के नाम में कभी अरुचि नहीं, जितने नाम करोगे उतने भक्ति में उतने आनंद में डूबते जाओगे, और एक दिन ऐसा आएगा पूरा भक्ति रस में शराब हो जाओगे। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं अगर ये हरि नाम को द्वारा ही जीवन में हमें शांति और सुख इसी हरि नाम को द्वारा मिलेगा, इसलिए भगवान कलयुग में ये हरि नाम का रूप में ठाकुर जी आए। लेकिन ये हरि नाम हमें कैसे करनी चाहिए, हरि नाम कैसे करनी चाहिए, बोले कुछ नियम को पालन करते हुए करनी चाहिए। जैसे आपको बहुत बड़ी कोई बीमारी, किसी अच्छे डॉक्टर के पास में गए, डॉक्टर बोले यार देखो तुम्हें तो बढ़िया दवा दे रहा हूँ, लेकिन परहेज को साथ में करोगे तो जल्दी से जल्दी तुम्हारी रोग सही हो जाएगी। इसलिए भगवान का नाम करने के लिए बताए 4 परहेज की जरूरत है, कितना 4 परहेज को साथ में अगर हरि नाम करोगे जल्दी जल्दी तुम्हें भगवत प्राप्ति होगी। बोले पहला परहेज दिया है, बोले जुआ नहीं खेलनी चाहिए, धर्म का पहला चरण सत्य है, जो व्यक्ति जुआ खेलेगा वो कभी सच नहीं बोल सकता है, इसलिए वो झूठ गोबर में झूठ बोलते रहेगा। इसलिए धर्मराज युधिष्ठिर भी सिख्या देते हैं, देखो मैं जुआ खेलते हुए मेरे कितने सर्वनाश हो गया, राज्य गए, भाई गए, भरी सभा में पत्नी की वस्त्र हरण देखना पड़ा, और 12 साल तक जंगल में भटका, और 1 साल तक विराट राज्य में दासत्व करना पड़ा, खबरदार कभी जुआ में हाथ मत लगा। इसलिए आप जितने माताएं बैठे हो अपना पति बच्चों को रोकना, जुआ मत खेलो, जुआ खेलेगा तो सारा सब कुछ हार करके रोड में आ जाना पड़ेगा, इसलिए जुआ नहीं खेलनी चाहिए। दूसरा, किसी तरह का नशीली वस्तु को ग्रहण मत करो। धर्म का दूसरा चरण तपस्या, अगर कोई नशीली वस्तुओं को ग्रहण करेगा तो वो व्यक्ति कभी तपस्या नहीं कर सकता है, भजन नहीं कर सकता है। भजन कब करेंगे, जब मन स्थिर हो, स्थिर मन से भजन हो सकता है। लेकिन अगर नशा द्रव्य को, गांजा पियो, शराब पियो, सिगरेट फूको, गंदी नशा वस्तु का सेवन करो, मन अस्थिर रहता है, फिर प्रभु का भजन नहीं कर सकते हो, उसमें तपस्या नष्ट हो जाती है। और जो एक जो चीज जो शराब है, अभी दुनिया ऐसे हो गया, अगर कोई शादी विवाह हो ना, शादी अगर शराब नहीं खिलाओ
मांस नहीं खिलाओ तो ये कौन सा साथी है, शराब नहीं खिलाया, मांस ही नहीं खिलाया। मतलब ये दुनिया इतने रसातल में जा रही है, इतने रसातल में। इसलिए मैं पहले बताया था ना, जो शराब पीते हैं उनको कितना लाभ होता है, बोलो कितना लाभ, शराब पीने वालों को कितना लाभ होता है, बोलो सब भूल गए कितना लाभ है। बोले उनको तीन लाभ है, बोले शराब पीने पर, बोले हाँ। बोले पहला लाभ क्या है, बोले पहला लाभ उसको घर में चोरी नहीं होगी। दूसरा लाभ क्या है, वो व्यक्ति कभी बूढ़ा नहीं बनेगा। बोले तीसरा लाभ क्या है, बोले कुत्ते उसकी दोस्त बनेंगे। बोले इसका मतलब क्या, पहला लाभ घर में चोरी नहीं होगी। बोले भैया चोरी कब होगा, घर में कुछ हो तभी तो चोरी होगा। वो तो पी पा करके सब कुछ जितना गहना बहना पी पा कर सबको खत्म कर देगा, फिर तुम्हारी घर में चोरी कहाँ से होगी। इसलिए आप भी अपना बच्चों को ये सब गंदी चीज से रखा करना। जो व्यक्ति शराब पीना शुरू कर दिया ना, समझो उसकी सर्वनाश हो गया घर की। घर में कभी शांति सुख नहीं हो सकता, घर में कभी शांति सुख हो ही नहीं सकता है। इसलिए बचपन से उनको किसी विषय पर कंट्रोल करना बच्चों को है। कोई गंदे संगत में बच्चे जैसे नहीं मिले, बाहर जाते ही यही सब संगत मिलता है। इसलिए दूसरा लाभ किया, बोले बूढ़ा नहीं होगा। बोले बूढ़ा कब होगा, जिंदा रहे तभी तो बूढ़ा होगा, वो तो पी पा करके आधा उम्र में खत्म हो जाए, बोले बूढ़ा कब होगा। और तीसरा लाभ किया, बोले कुत्ते दोस्त बनेंगे, कहीं पी पा करके पड़ा रहेगा और कुत्ते आकर उन्हें पैसा वगैरह जाए। इसलिए ये सब चीज को ग्रहण नहीं करनी चाहिए। तीसरा जो कलिका स्थान है स्त्रियम, बोले स्त्रियों को ऊपर में कलिका निवास है। बोले कौन सा स्त्री है, बोले जो बगैर विवाह के आप वैध रूप में पुरुष स्त्री और स्त्री पुरुषों को साथ में मिलते हैं, यहाँ पर कलिका निवास। संसार करो, शादी करके पति पत्नी मिलकर करो। देखो अभी ऐसी दुनिया हो गया जो गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड बनाते नहीं, ये सब गंदी चीज है। संसार करो, शादी शुदा करके अपना पति पत्नी मिलकर के संसार करो। इतना डाइवोर्स भी हो रहा है, कारण यही है, यही कारण है। इसलिए शादी से पहले कितने को साथ में घूम घाम करके आते हैं, पर शादी के बाद में अनमन सा होता है, फिर उल्टा पुल्टा होता है। कितने आप लोग मेरे से ज्यादा जानते हो ये सब क्या क्या हो रही है। इसलिए संसार करो, शादी करके पति पत्नी मिल करके अपना घर गृहस्थी को बैठाओ, यहाँ पर पवित्रता की नष्ट हो जाती है। जो चौथा जो चीज है जीव हिंसा, जीव हिंसा में मांस मछली अंडा और प्याज लहसुन, ये चार चीज को अगर कोई पालन करे और थोड़ी सी केवल हरि नाम कर लो, बस हमारी संसार से उद्धार हो जाएगा। एक बार हाथ उठाकर बोलो, बोलो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे बार जोर करके बोलो, बोलो हरे कृष्ण मतलब जब घर में लक्ष्मी आती है, उल्लू को ऊपर बैठ करके आते हैं, अकल के बाद और हमें उल्लू बना।
लेकिन लक्ष्मी का कहानी और बताओ कौन बताओ ठाकुर की सेवा कैसे करेगा, पैसा नहीं होगा तो ठाकुर को भोग कैसे लगाएंगे, ठाकुर को सेवा कैसे, इसलिए आगे लक्ष्मी प्रसन्न हो जाती है, ठीक है ना। इसलिए उन्होंने पैसा को ऊपर उन्होंने किसको दे दिया, इसलिए हमें इस सावधान रहनी चाहिए। इसलिए आज भगवान कृष्ण जन्म ग्रहण किया है, आज कृष्ण का जन्म इसलिए भगवान जगत में क्यों जन्म हुए हैं, तब हमारे जो बड़े गुरु जी उसके पीछे उनने 10 कारण बताए। कितना कारण बताए उसको पीछे भगवान आने का 10 कारण बताए, बोले 10 कारण क्या क्या है, अभी ध्यान देकर सुनो, उसको बाद में फिर मैं आपको पूछूंगा क्या कारण है, ठीक है ना। बोले पहला कारण बताए, बोले परित्राणाय साधु नाम
विनाशाय च दुष्कृतम् धर्म संस्थापनार्थाय सभवामी जुगे जुगे। कृष्ण कह रहे हैं अर्जुन, इसलिए इस जगत में मैं आता हूँ, बोले जदा जदा ही धर्म से ग्लानिर्भवति, जब जब धर्म नष्ट होने लग जाए, संतों के ऊपर में, ब्राह्मणों के ऊपर में, गैया के ऊपर में, पृथ्वी के ऊपर में अत्याचार होने लग जाता है, तब तक मैं इस जगत में अवतीर्ण होकर के दुष्टों को मैं विनाश करता हूँ और संतों को मैं पालन करता हूँ। ये इसका पहला कारण है। बोले दूसरा कारण क्या है, बोले अनुग्रहाय भक्तानां करोमि विविध क्रिया। बोले भक्तों के ऊपर में अनुग्रह करने के लिए आता हूँ, कृपा करने के लिए आता हूँ। देखो आज संपूर्ण भारत, कुल भारत नहीं, आज संपूर्ण विश्व में, बोले विश्व नहीं संपूर्ण ब्रह्मांड में, बोले ब्रह्मांड में नहीं आज गोलोक वृंदावन में भी, संपूर्ण दुनिया में आज भगवान का जन्म उत्सव सबके सब मनाते हैं। ये वैकुंठ में भी, गोलोक वृंदावन में भी, सारा दुनिया में हाँ। और जिस समय भगवान कृष्ण जन्म हुए, 33 करोड़ देवता कृष्ण का जन्म महोत्सव में सारे देवता लोग भी आए और सबके सब गा रहे थे नंद के आनंद भयो, जोर से बोलो, बोले नंद के आनंद भयो। इसलिए समझो आज विश्व ब्रह्मांड में हैं सारे भक्त लोग आज जन्मोत्सव मना रहे हैं, हैं जन्मोत्सव। बोले जीव श्याम लाला, जीव श्याम लाला, खिली तेरी पगड़ी रंग काला, जीव श्याम लाला, जीव श्याम लाला, खिली तेरी पगड़ी रंग काला, जीव श्याम लाला, जीव श्याम लाला, खिली तेरी पगड़ी गोकुल में आयो नंदलाला, गोकुल में आयो नंदलाला, गोकुल में आयो नंदलाला, गोकुल में आयो अभी कृष्ण जन्म हुए, अभी गोपियां उनको पलना में झूला रही, लेकिन जब पलना में झूला रही तो पलना की आवाज कैसे आ रहा था, बोले चर मर करे पलना, चर मर करे पलना, चर मर करे पलना, चर मर करे पलना, ब्रजवासी गाए जीव ललना, ब्रजवासी गाए जीव ललना, अभी कृष्ण के जब पलना में झूला रहे थे, बच्चा जब जन्म लेता है ना रोता है, रोता कि नहीं, रोता कि नहीं, वो कैसे रो रहे थे, बोले मत रो काना, मत रो काना, मत रो काना, मत रो काना, समझा दे तो नंदा हुआ, समझा दे तो नंदा हुआ, श्याम लाला।
अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्नमिलितं येनः तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय परभक्ताय नमो नमः। श्रीकृष्णचैतन्यप्रभु नित्यानन्दः श्री अद्वैतगदाधर शिवासादि चिरगौरभक्तवृन्दः। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम मैं अपने गुरु पाद करता हूँ विष्णु पाद अस्तु तथा भक्ति विदान शिव तीर्थ पर से महाराज के अहम चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करके कृपा की प्रार्थना करता हूँ। तदुपरांत मेरे शिक्षा गुरुदेव व्यासा से ओम विष्णु पाद अस्तु तथा भक्ति वेदांत श्री सुदेव गोस्वामी महाराज के चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करके कृपा की प्रार्थना। समस्त गुरु परंपरा के श्री चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करके कृपा की प्रार्थना। उपस्थित वैष्णव वैष्णवी तथा प्रवासु श्रोत मंडली सभी के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम स्वीकार। परम मंगल में भगवत स्वरूप श्रीमद भागवत कथा मृत श्रवण करते हुए आज हमारा पांचवा दिन। यह सात दिन का सत्र गत कई वर्षों से चलता आ रहा है। इसी श्रीमद भागवत कथा अंतर्गत एक बार परीक्षित महाराज ने श्री सुखदेव को सही बात से जिज्ञासा की कि प्रभु कृपा मुझे विदुर जी का चरित्र श्रवण कराने की कृपा कर। तो सुखदेव गोस्वामी बात कहते हैं, सुनो परीक्षित। यदा दुराजा ससुतान साधु ओष्णेन धर्मेण विनष्ट दृष्टि भ्रातुर्यविष्टस्य सुतान विवन्तु प्रवेश लाक्षा भवने ददाहु प्रवेश लाक्षा भवने। ये उस समय की बात है जब महाराज धृतराष्ट्र पूरी तरीके से अंधे हो गए थे। यद्यपि वो अंधे तो बचपन से ही थे, बाहर की आंखें उनके बचपन से ही फूटे हुए थे, किंतु आज उनके अंदर के ज्ञान वैराग्य की आंखें जो है विवेक की कर्मों में आ गए। क्यों? क्योंकि आज वो क्या कर रहे हैं, अधर्म का पोषण कर रहे हैं। अधर्म के पोषण करने के कारण सुखदेव गोस्वामी कहते हैं उनका नष्ट, उनका दृष्टि विनष्ट हो गया है। जिन पितामह पालन पोषण करने का उनके ऊपर दायित्व था, आज उनको लाक्षागृह में जलने के लिए भेजा जा रहा है। विदुर जी ने यह चीज देखा, राष्ट्र जी को वो गए समझाने के लिए। समझाते हुए कहते, ये जो आपका बड़ा पुत्र है दुर्योधन के मुंह में पड़ के आप इतना अंधा हो रहे हैं, हाथ में भयंकर घोड़ा हो ये शरीर में फैला जा रहा है तो पूर्ण शरीर का यद्यपि हाथ बैठो। उसी प्रकार से आपका बात नहीं कारण ये महाभारत का शब्द उत्पन्न होता हो सुना आहुला हो गया। राज को पूरी तरह से डांटते फटकार एक टुकड़ के पर बलि नहीं हो चुका, हमारे ही टुकड़े प्रति भड़का रहा है। किसने बुलाया था यहाँ परामर्श देने के लिए, भगाओ इसको यहाँ से, निकालो इसे। जब ऐसा बात सुना विदुर जी ने तो कहा, वाह दुर्योधन इतना सब कुछ कह रहा है और महाराज मौन, हमारी परामर्श की आवश्यकता नहीं रहेगी, चलना चाहिए। विदुर जी कहते हैं, हे दुर्योधन तू क्या मुझे निकालेगा, मैं स्वयं ही तुम्हें छोड़ के जा रहा हूं। स्वयं विदुर जी महाराज दिल्ली पर रखते कि देखो हम तो देश में आ रहे हैं, तीर्थाटन करते करते पे विचरण कर रहे थे। परम भागवत भगवान के श्री उद्धव जी से उनका भेंट हुआ। द्रौपदी को देखा विदुर जी ने, कोई महा उद्धव जी कैसे ठीक ठाक है ना,
द्वारका में सब कुशल आदि सब कुशल मंगल है। जब इतना सब के हाल समाचार द्वारे पूछा तो उद्धव जी आदि में उद्धव जी की भगवान लोग को ही चले जाते थे। माला सावधान किया तो भगवान लोग से पुनः अपने पुनरागत शरीर में आपको कुछ भी नहीं पता। अरे महाभारत को कब का विजय हुए और हमारे अपने लीला संवरण करके अपने स्वधाम को जा चुके, अपना भाग्य को धिक्कार करते हुए कहते जब प्रभु धराधाम में थे उनके रहस्य को कोई समझ नहीं पाया और उससे भी ज्यादा धिक्कार हम यदुवंशियों का है कि हमारे साथ भगवान प्रभु रहे, खाए पिए बंधु की तरह व्यवहार किया तो चले गए हैं। उनका महत्व तो समझ में आ रहा है, उनका नाम उनका रूप उनका प्रेम का स्मरण करते सब कुछ विदुर जी को बदलाया। उनका सौंदर्य के बारे में बताते कहते हैं कि विदुर जी महाराज प्रभु कितने सुंदर थे, इतने सुंदर थे कि अलंकार आदि जब धारण करते थे तो अलंकार उनके अंक में आके अलंकृत हो जाया करता था, आभूषण उनके अंक में आके अपना सौभाग्य मानते थे कि आज हमारा उपयोगिता सिद्ध हो रहा है। कभी कभी तो प्रभु अपना प्रतिबिंब देख के अपने प्रतिबिंब पे स्वयं मोहित हो जाते थे कि वह तो इतना सुंदर हो सकता है। विस्मापनम स्वच यत सौभ गर्भे परम पदम भूषण भूषणांगम, आभूषण उनके अंत में आके अपना सौभाग्य समझते थे, ऐसा उनका वाक्य था। उनका स्वभाव कैसा कहते हैं, अहो बकीयम स्तन काल कूटम जिघांसया पायत व्यधाद्वी देवेघ किंधात्रि उचितांत तोन्यम कंपादयायु सर्वं तजे कि बकासुर की भगनी बकी महापापी उल्टा बाल घातनी अपने स्तन में काल को जहर लगा के भगवान को मारने के उद्देश्य से उसके पास आई थी, किंतु भगवान ने क्या कहा, भगवान ने उनका सारा पाप ऊपर पर्दा डाले, केवल कहते हैं कि अरे ये तो मैया यशोदा की तरह कर रही है कार्य, इसीलिए मैं तो इसे मातृ जो पद है मैं वो देती हूँ। तो उस उल्टा पापनी को धात्र उचित गति प्रदान करते ऐसा उनका सरल स्वभाव। उद्धव जी यदुवंश का संहार समझाते हुए सारा गाथाओं का समझाते हैं और विदुर जी कहते हैं इतना सब कुछ हो गया और मैं चिंतों में घूमता ही रहा, मुझे कुछ नहीं पता चला, किंतु आप कहाँ जा रहे हैं। उद्धव जी कहते हैं कि आज मेरा हृदय बड़ी शुभ है, मैं बड़ी दुखी हूँ, जिन प्रभु से मैं कभी एक पल के लिए भी अलग नहीं रहता था, प्रति क्षण मैंने उनका संग किया, आज वो अंतर ध्यान हो गए, आज सारा जगत मुझे सुना प्रतीत होता है, किंतु क्या करे प्रभु जाते जाते मुझे पादुका दे के बद्री विशाल जाने के लिए आदेश दिया है तो मैं वहीं जा रहा था, किंतु आपके क्या कि जब प्रभु अपना लीला स्मरण करके स्वधाम जाने के लिए तैयारी कर रहे थे उस वक्त उन्होंने मुझे बुलाया और कहा, बड़ी मार्मिक उपदेश दिया, और जब मुझे मार्मिक उपदेश दे रहे थे मेरे पास मैत्री मुनि बैठे हुए थे, भगवान का वो दिव्य उपदेश मैंने और मैत्री मुनि ने केवल हम इन दोनों ने ही श्रवण किया, मुझे तो कह दिया कि जाओ आप बद्री विशाल जाओ, किंतु मैत्री मुनि से कहा कि मैत्रे आपने मेरा उपदेश ग्रहण किया है हृदयंगम किया है, मैं जब भी किसी भक्त से कुछ मांगता हूँ कुछ लेता हूँ बदले में उसे जरूर कुछ ना कुछ देता हूँ, किंतु एक ऐसा भक्त है जिन्होंने केवल मुझे दिया है मैंने आज तक उनको कुछ नहीं दिया और वो मेरे प्रिय भक्त है विदुर जी महाराज। जब मैं हस्तिनापुर गया था इतना प्रीतिपूर्वक विदुर विदुरानी ने मुझे मेरा स्वागत सम्मान किया था, किंतु मैं तो उनको दे नहीं पाया। ये तत्व ज्ञान आपका आपके पास है, जब भी विदुर जी मिले उनके जरूर ये तत्व ज्ञान मेरा आपको प्रदान करना होगा। विदुर जी ने जब ये चीज सुना उनके तो आंखें भर आए कि हमारे पास पवाने को प्रभु को था ही क्या, सूखा साग भतुआ का खिला दिया, अरे विदुरानी ने भावकता में छिलके ही खिला दिए, किंतु भगवान देखिए
उसको ही ऋणी मान लिए। यही अंतर है हम भी और भगवान। हम क्या करते हैं, हम जगतवासी हम वस्तुओं को देखते हैं, हम वस्तुओं से प्रीति करते हैं। आपके घर में कोई मेहमान आए उसको चकाचक व्यंजन बना के खिला दीजिए, यद्यपि आपके हृदय में उसके प्रति कोई प्रेम नहीं है, किंतु वो मेहमान आजीवन वो याद रखेगा कि जब मैं उनके पास गया था बड़ी आदर सत्कार हुआ था, बड़ी प्रेम करते हैं वो मुझसे। किंतु भगवान को तो वस्तु नहीं चाहिए, दुर्योधन का वो 56 रूप छोड़ के यहाँ पे आए थे। भगवान कहते हैं कि मैं तो प्रेम का भूखा हूँ, प्रेम का भूखा हूँ मैं, और प्रेम ही एक सार है, प्रेम से मुझको भजो तो भव से मेरा पार है। प्रभु कहते हैं कि मुझे प्रेम चाहिए, संसारियों को वस्तु चाहिए, किंतु हम क्या करते हैं, ठाकुर जी को वस्तु दिखा देते हैं और संसारी उसको प्रेम दिखा देते हैं, प्रेम करते हैं। वो हमारा प्रेम का कदर कभी नहीं समझ सकते, चाहे वो किसी भी अवस्था में हो। जब तक उनको वस्तु नहीं मिलेगा उनको प्रेम नहीं समझ में आता। ठाकुर जी का कैसा प्रेम ब्रजवासियों के प्रति कि ठाकुर जी जब अंतर ध्यान हो गए ब्रजवासी एक पल के लिए भी नहीं रह पाए, प्रणासन हो गया उनका स्थिति, ऐसा उनका प्रेम था। उद्धव जी विदुर जी बड़ी गदगद है कि सारा जगत जिनका स्मरण करता है, आज वो जाते जाते इस विदुर का स्मरण किया, जिज्ञासु पूर्वक पूछा उद्धव जी से, क्या बताइए मैत्री मुनि कहाँ मिलेंगे, मैं जानना चाहता हूँ क्या तत्व ज्ञान है जो प्रभु मेरे लिए छोड़ के गए। उद्धव जी कहते हैं हरिद्वार के हरिद्वार में गंगा के तट पे कहीं ना कहीं आपको मैत्री मुनि जरूर मिल जाए। इतना कह के उद्धव जी तो बद्री विशाल को चले गए और विदुर जी सीधा हरिद्वार। हरिद्वार में गंगा तट पे विचरण करते हुए उनको मैत्री मुनि मिले। मैत्री मुनि ने जैसे ही विदुर जी को देखा उठ के खड़े हो गए, क्या हो विदुर जी महाराज, मैंने कब से आपका राह देख रहा था, प्रभु ने बड़ी भारी दायित्व मेरे कंधे के ऊपर छोड़ा है, आइए आपका स्वागत है। दोनों गंगा के तट पे विराजमान हुए। विदुर जी प्रश्न करते हैं कि मैत्री मुनि मेरा कुछ प्रश्न है, जिज्ञासा है, उसे समाधान कीजिए। मैत्री मुनि कहते कहिए। विदुर जी कहते हैं सुखाय कर्माणि करोति लोको न तै सुखं वान्यदुपारमं वा विन्देति भूयस्तत एव दुःखं यदत्र युक्तं भगवान् वदेन्यः। विदुर जी कहते हैं जगतवासियों, जगतवासी जगत में जो भी व्यक्ति है, जो भी व्यक्ति है, उन सबको सुख चाहिए, सुख की लालसा सबको है, ऐसा कोई नहीं जो यहाँ पे दुख जिसके दुख चाहिए। किसी को खाना चाहिए परंतु ऐसा नहीं है कि कोई भोजन, सबको भोजन अच्छा लगे, कोई भोजन के नाम से भागता है। कितनी भी प्रीति पूर्वक वस्तु हो किसी को अच्छा लगे किसी को नहीं, किंतु जगत में ऐसा कोई नहीं जो ये कहे कि मुझे सुख नहीं चाहिए। प्राणी मात्र सुखी होना चाहता है और सुखी होना चाहता ही नहीं, सुखी होना के लिए दिन भर प्रयत्नशील भी है, वो आजीवन प्रयत्नशील करता है, प्रयत्न करता है, किंतु मिलता क्या है उनको, दुख। जितना इस सुख के, सुख को प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करता है उतना दुख के दलदल में घुसता जाता है। हमने दलदल का व्यवहार तो जानते हैं, क्योंकि दलदल में अगर कोई घुस जाए और जितना निकलने का प्रयास करे उतना ही वो घुसता जाएगा। उसी प्रकार से यह संसार में हम आ गए हैं और सुखी होने का प्रयास करते हैं किंतु दुख के दलदल में घुसते जाते हैं। विदुर जी कहते हैं कि मेरा प्रश्न है कि ये जीव सुखी कैसे होता है। हरे कृष्ण, तत्काल सुखी कैसे बनोगे, मैंने प्रश्न किया है सुखी कैसे बन सकते हैं। आप केवल कलि युग में सुख पाने के लिए केवल एक उपाय है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम राम राम। और बच्ची बोले तो बोलो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम राम हरे हरे। देखो जितने यहाँ बच्चियाँ लड़कियाँ बैठी हैं, ये लड़की की गली से आई है, इसके पिताजी माताजी और उसकी माँ भी यहाँ पर आए, भाई भी आए हैं,
जब जब मैं गली में जाता हूँ उनके घर में रुकता हूँ और इतना सेवा करते तो सोच नहीं सकते, इतने सेवा करते इनका परिवार। हाँ एकदम यहाँ पूरा परिवार बहुत सेवा करते हैं हमारी, इसलिए वो बच्ची डॉक्टरेट करने के लिए कोशिश कर रहे, तो सोच रहे मैं डॉक्टर बनूँगा, इसी डॉक्टर करने के लिए कोशिश कर रही है, पढ़ रही है। इसलिए आप सबके सब आशीर्वाद करना, वो कल इसलिए कहते मैं डॉक्टर बनूंगी लेकिन बोले गुरु जी और संतों की सेवा करने के लिए। इसलिए तालियों साधु संतों की सेवा करने के लिए और गुरु जी की सेवा के लिए मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ। इसलिए मम्मी डॉक्टर मतलब डॉक्टर करने के लिए कोशिश कर रही है। अभी थोड़ी सी और कथा सुना प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत दर्शन श्री गौर भक्त बृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुदेव श्री श्रीमद्भक्ति वेदांत शिवदा महाराज जी के चरण कमलों में साक्षात दंडवत प्रणाम करती हूँ। तत्पश्चात उपस्थित सभी वैष्णव वैष्णवी तथा मेरे भाई बंधु सबको यथायोग्य प्रणाम। हम सब मनुष्य ठाकुर जी का नाम लेते हैं, उनका स्मरण करते हैं, किंतु फिर भी कभी कभार हो जाता है ऐसा कि मतलब अगर हमसे कोई प्रश्न पूछता है कि तुमने नाम तो लेते हो लेकिन क्या तुमने कभी अपने ठाकुर जी को देखा है, उन्हें उनसे बात की है कभी, तो गुरुदेव उसको उदाहरण देते हैं कि देर आर इन्यूमरस थिंग्स विच वी कांट सी बट स्टिल वी बिलीव दैट दे एग्जिस्ट। हवा है, हवा को हम देख नहीं सकते लेकिन फिर भी हम मानते हैं कि हाँ वो है। तो हम किसी अगर मनुष्य को हम किसी को समझाना चाहें तो हम बोल सकते हैं कि हाँ हमें हवा दिखती नहीं है लेकिन फिर भी हम मानते हैं कि हाँ हवा है। लेकिन फिर भी बहुत सारे मनुष्य जो प्रश्न करते हैं कि नहीं ऐसा नहीं है, फिर भी क्या मतलब हम कैसे समझा सकते हैं। तो गुरुदेव कथा सुनाते हैं कि एक बार अकबर और बीरबल का दरबार लगा होता है। तो अकबर बोलता है कि बीरबल तुम मेरे मंत्रियों में से सबसे समझदार हो और मैं तुमसे जो भी प्रश्न पूछता हूँ तुम उसका उत्तर करते हो, तो आज मैं तुमसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। तो वो बोलता है हाँ महाराज पूछिए। तो बोलता है क्या भगवान है और अगर है तो कहाँ है और क्या कर रहे हैं। तो बोलता है महाराज, तो बोलते मैं तुम्हें 2 दिन का टाइम देता हूँ कि तुम इस प्रश्नों का उत्तर मुझे ला के दो वरना मैं तुम्हें तुम्हारी नौकरी से निकाल दूँगा। तो बीरबल को विश्वास होता है कि हाँ भगवान है तो, लेकिन वो उसका प्रूफ कैसे देगा, उन्हें बताया समझाएगा कैसे। तो वो जब अपने घर जाता है तो वो चिंता में होता है। तो उसका बेटा होता है वो पूछता है कि पिताजी क्या बात है, आप बड़े चिंतित लग रहे हैं। तो बोलते नहीं कुछ नहीं तुम खेलो। तो बोलता है मुझे बताइए। तो बीरबल उससे बताता है कि आज महाराज ने मुझसे ये प्रश्न किया कि क्या भगवान है और अगर वो है तो कहाँ है और क्या कर रहे हैं। तो वो बोलता है कि पिताजी आप चिंता मत करो, 2 दिन बाद जब आपका समय हो ना आप मुझे ले चलना और राजा को बोलना कि मेरे इस प्रश्न का उत्तर मेरा बेटा देगा। तो 2 दिन बाद बीरबल जाता है तो अकबर उससे पूछता है कि क्या तुम उन प्रश्नों का उत्तर लाए हो। तो बोलता है महाराज आपने इतने सरल प्रश्न किए थे कि उनका जवाब मैं क्या मेरा बेटा भी दे सकता है। तो बोलता है चलो ठीक है। तो वो उसके बेटे से पूछता है कि बताओ क्या भगवान है। तो बोलता है महाराज मैं आपके इस प्रश्न का उत्तर तब दूंगा पहले आप एक पतीला दूध मंगवाओ। तो बोलते चलो ठीक है। वो राजा मंगवाता है तो वो बच्चा उस राजा से अकबर से पूछता है कि क्या इस दूध में घी है। तो बोलता है हाँ है। तो बोलते कहाँ है। तो बोलते ऐसे थोड़ा दिखेगा, पहले हमें दूध को गर्म करना पड़ेगा, फिर उसे जमाना पड़ेगा, फिर मंथन करना पड़ेगा, फिर उबालना पड़ेगा, तब उसमें जाके घी दिखेगा। तो बोलते जब एक सिंपल से दूध में से घी निकालने के लिए इतने प्रोसेस है तो जो भगवान उनको क्या हमें ऐसे ही मिल जाएंगे। भगवान को पाने के लिए भी पहले हमें साधु संग कथा कीर्तन उनकी बातों में विश्वास रुचि निष्ठा भाव प्रेम तब जाके हमें भगवान की वह अनुभूति होगी, तब मैं भगवान दिखूंगी। तो वो बोलते चलो ये तो ठीक है लेकिन बताओ भगवान क्या कर रहे हैं कहाँ हैं। तो बोलते जब हम स्कूल में जाते हैं तो जो प्रश्न पूछता है वो होता है स्टूडेंट और जो आंसर करता है वो होता है टीचर। टीचर का स्थान हमेशा स्टूडेंट से ऊपर रहता है। बोलते पहले आप अपनी गद्दी से उतर के नीचे आओ और मुझे ऊपर बैठने दो तब मैं आपके इस प्रश्न का उत्तर दूंगा। तो राजा वही करता है, राजा नीचे आ जाता है और अकबर के बीरबल के बेटे को ऊपर भेज देता है। तो बोलता है कि भगवान यही कर रहे हैं कि उन्होंने मिनटों में एक रंग को राजा और राजा को रंग बना दिया। हम सब मनुष्य इसी प्रकार हम मानते हैं कि हाँ भगवान है लेकिन हमारे साथ भी कभी ऐसा हो जाता है कि हम सोचते हैं कि नहीं भगवान नहीं है। तो इसीलिए गुरुदेव कथा सुनाते हैं कि एक डॉक्टर का परिवार था। तो उस डॉक्टर के साथ भी कुछ ऐसी मिसहैपनिंग हो जाती है कि वो ठाकुर जी का नाम लेना छोड़ देता है कि नहीं मैं तो इतना नाम लेता था, भगवान ने मेरे साथ ऐसा किया। तो वो
एक दिन अपने घर में बैठा होता है तो उसका बेटा देखता है कि उनके घर के सामने से एक हाथी जा रही होती है और जो मनुष्य होते हैं जो उसे ले जा रहे होते हैं वो बोलते हुए जा रहे होते हैं राम नाम सत्य है गोपाल नाम सत्य है सत्य बोलो करते हैं सब कोई बात झूठी है। तो वो बच्चा उस बात को सुनता है और अपने घर में आके उसी बात को रिपीट करने लग जाते हैं कि राम का नाम सत्य है गोपाल का नाम सत्य है। तो उसके पिताजी बोलते हैं कि नहीं बेटा ऐसे नहीं बोलते। तो बोलते हैं क्यों पिताजी मैंने सुना बाहर यही बोल रहे थे। तो बोलते हैं बेटा जब कोई मनुष्य मर जाता है ना जब उसको लेके जा रहे होते तब ये बोलते हैं। तो बोलते नहीं पिताजी मैंने देखा कि बाकी सब तो बोल रहे थे लेकिन जो ऊपर लेटा हुआ था सिर्फ एक वही ही बोल रहा था। तो वो बच्चा बोलता है कि पिताजी तो वो पिताजी बोलते हैं कि हाँ क्योंकि वो मर चुका था वो इसलिए नहीं बोल रहा था। तो वो बच्चा अपने पिताजी से प्रश्न करता है तो क्या पिताजी इसका मतलब क्या हम भी मरे हुए हैं। तो उसके पिताजी पूछते क्यों। तो बोलते हम भी तो ठाकुर जी का नाम नहीं लेते हम भी तो भगवान का नाम नहीं लेते। तो उसी प्रकार अगर हम ठाकुर जी का नाम नहीं लेते तो हम भी एक मरे हुए इंसान के बराबर हैं। जैसे गुरुदेव ने बताया ना कि इस कलयुग में नाम हरि अगर हम ठाकुर जी का नाम लेंगे सिर्फ हरि हो सकते से नहीं जैसे कभी कभी कोई माला ले लेते हैं कुछ दिन बाद में माला ही जब करते जो बची है ना करती है वो एकदम फिक्स नंबर माला करती है। इतने माला हमें करना ही है, है? अगर भगवान के नाम के ऊपर विश्वास करोगे प्रभु का नाम जब करोगे ना जो कुछ आप ठाकुर जी को मांगोगे ठाकुर जी सब कुछ इच्छा पूरी कर देते हैं। क्योंकि भगवान का नाम को बताया ये चिंतामणि। चिंतामणि मतलब होता है जो चिंता करो ठाकुर जी के नाम से जो कुछ मांगो ठाकुर जी वही दे देते हैं। इसलिए अपना पढ़ाई भी ठीक से करती है और वो संतों की साधु संतों की हमारे तो बहुत सेवा करती है। इनको घर में जब जाते हैं इनका भैया मैया सब बड़ी सेवा और उसको साथ में भजन करती पढ़ाई। इसलिए केवल पढ़ाई नहीं पढ़ाई को साथ में भगवान की भक्ति भी करनी चाहिए। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी एक उदाहरण देते हैं। वो कहते हैं देखो ये उदाहरण कितने सुंदर। वो कहते हैं राम नाम की अंक है सब साधन की सुना अंक गए कछु हाथ नहीं अंक रहे दस गुना। देखो ध्यान से इतनी सी बात को समझो। जैसे एक रखो सीधा हाथ में एक जीरो दो सुना दो बताओ कितना होगा बोलो। एक रख करके सीधा हाथ में एक सुना दो कितना होगा दस। पहले क्या था कितना था एक। लेकिन एक जीरो देने पर जो एक है वो झट दस गुण बन गया और एक जीरो दो कितना होगा सौ। पहले कितना था दस। पहले था दस लेकिन एक जीरो दिया तो झट दस क्या हो गया सौ हो गया और एक जीरो दो हजार होगा। पहले कितना था सौ लेकिन एक जीरो देने पर कितना दस 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 गुण बढ़ रहा है। फिर गोस्वामी जी उदाहरण देते हैं अभी एक को हटा लो एक को हटा लो जीरो दो कितना होगा और एक जीरो दो और एक जीरो दो और एक जीरो दो। हाँ ये चीज को समझो। वो गोस्वामी जी कहते भैया ये एक क्या है बोले भगवान की भक्ति ये एक है। बोले ये जीरो क्या बोले ये संसार जीरो ही है। संसार जीरो है ये सही नहीं है जो दिख रहा है ना। जैसे किसी होटल में धर्मशाला में रुको जैसे एक जगह पर बैठे तुम कहाँ से बोले कलकत्ता बोले तुम बोले बम्बई बोले तुम मद्रास। रात में तो खूब गप्पे मारे लेकिन सबर होते ही सब गए गप्पे मार रहे और कुछ नहीं बोले तुम कौन बोले बीबी बोले तुम कौन बोले पति बोले तुम कौन बोले बेटा बेटी ये गप्पे मार रहे हो सही नहीं है। जिसका समय आएगा ना वो उसी समय उतरना पड़ेगा। जैसे गाड़ी में टिकट बना करके जा रहे हो फिर ना बैठ कर खूब गप्पे मारते हैं बोले कहाँ तक बोले जहाँ तक तुम्हारी टिकट है टिकट खत्म वहीं उतरो। ये संसार जीरो ही है लेकिन ये जीरो को हीरो भी हो सकता है ये जीरो हीरो बन सकता है बोले कब और जब एक में जुड़ जाए। बोले भैया ये एक क्या है बोले भगवान की भक्ति। पति कौन है बोले भगवान का सेवक बस हो गया हीरो। बोले पत्नी कौन बोले ठाकुर का सेवी का बस हीरो हो गया। बोले ये बच्चे कौन बोले ठाकुर ने बच्चे दिया ठाकुर का बच्चे बस हीरो हो गया। बोले घर किसका बोले ठाकुर ने घर दिया है बस हीरो हो गया। बोले खाना क्यों बना रहे हो बोले ठाकुर को सेवा में लग गया बस हीरो हो गया। लेकिन अगर बोले खुद खाए के घर मेरा है बीवी मेरी ये जीरो ही है। लेकिन जब ये जीरो जब एक में जुड़ जाए मतलब हम जो कुछ करते हैं अगर ये प्रभु की भक्ति को साथ में जुड़ जाए ना
बस जीरो बन जाओगे। अगर भक्ति को साथ में नहीं जुड़ोगे तो ये जीरो जीरो ही रह जाएगा, ठीक है ना। इसलिए क्या करना है, हर चीज को प्रभु के भक्ति में जुड़ो। मीरा दूसरी उदाहरण देती है, एक सब्जी बनाओ, खूब घी डालो, खूब मसाला डालो, सब चीज परफेक्ट डाला, लेकिन ऐसे एक चीज है जो सबसे कम पैसा का चीज है, अगर उसमें डालोगे नहीं ना वो सब्जी खा ही नहीं सकती। बताओ तो क्या चीज है, बाबा सब पंडित हुए थे। इसलिए ये नमक ऐसे की चीज है ना, नमक बगैर व्यंजन जैसे है, लेकिन मसाला फसला इतना तेल मसाला नहीं, लेकिन नमक सही सही दिया ना आप रोटी खा लोगे। लेकिन जितना सब चीज अगर नमक नहीं है ना बेकार बनाया, कभी ये बेकार बनाया। इसलिए मीरा कहती है ये नमक क्या, बोले प्रभु की बल भजन बिना नरक की कोहे। बढ़िया मकान दुकान बनाया, पत्नी बड़ी प्यारी, बच्चे बड़े प्यारे, सब कुछ घर में बढ़िया से बढ़िया, लेकिन मीरा कहती लेकिन प्रभु का भजन नहीं कर रहे हो, वो जीरो है, वो बेकार है। और नमक बगैर जैसे व्यंजन है, तुम्हारे जीवन का कोई महत्व नहीं है। लेकिन प्रभु की अगर भक्ति को साथ में सब कुछ कर रहे हो, बस हरा भरा, ठीक है ना। इसलिए सब कुछ करो भगवान की भक्ति को साथ में। बच्चा आपको कुछ पता चला अज्ञान तिमिरान्धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। वाञ्छाकल्पद्रुभश्च कृपा सिन्धुभयेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम महाराज के चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करता हूँ। तदुपरांत मिति मिला प्रविष्टम विष्णुपाद अशोदर्शत श्री श्रीमद भक्ति विलास श्री नारायण गोस्वामी महाराज के चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। समस्त गुरु परंपरा के चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। यहाँ पर उपस्थित वैष्णव वैष्णवी माता प्रभु भाई बहन सभी को सभी के चरणों में मेरा यथायोग्य प्रणाम। हम यहाँ ग्रंथ भागवत की विवेचना कर रहे हैं पूर्व वक्ताओं ने और महाराज जी के मुखारविंद से तो हम सुन ही रहे हैं। मैं चेष्टा करूंगा थोड़ी सी भक्त भागवत के विषय में चर्चा करने की। देखो भागवत जो है दो प्रकार की बताई गई है, एक तो ये ग्रंथ भागवत है, ग्रंथ अर्थात जो बुक्स, ये जो है ग्रंथ भागवत है। एक है भक्त भागवत, भक्त भागवत अर्थात ये भागवत की जो शिक्षाएं हैं, इसकी सारी शिक्षाओं को जिन्होंने अपने जीवन में उतार लिया है, जिन्होंने आचरण करके दिखा रहे हैं, वो होते हैं भक्त भागवत। तो आज भगवान कृष्ण का आविर्भाव दिवस है, उनकी जन्मतिथि है। ऐसे ही कल जो है इस्कॉन के जो संस्थापक आचार्य है नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अशोदर्शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत स्वामी महाराज प्रभुपाद, उनका आविर्भाव दिवस है। तो वैष्णव लोग बताते हैं कि कृष्णेर जन्मतिथि जे हनो पवित्र सही मतलब वैष्णवेर तिथिर चरित्र। क्या बताया कि कृष्ण की जन्मतिथि अर्थात भगवान की जन्मतिथि जो है वो जिस प्रकार पवित्र होती है, जो जिस प्रकार मंगलदायक होती है, उसी प्रकार जो है वैष्णव उनकी तिथि जो होती है वो भी उसी समय उसी समान उसका चरित्र भी है, उसी समान वो भी मंगलदायक होती है और भक्ति को पोषण देने वाली होती है। तो कल जो है भक्ति वेदांत स्वामी महाराज जी का आविर्भाव है। ये एक ऐसे महापुरुष हुए हैं जिन्होंने विदेश में जाकर, जैसे हम तो भारतीय हमारा जन्म इस भारत भूमि पर हुआ है, तो बचपन से ही यहाँ के लोगों का कुछ संस्कार होता है कि वो भगवान कौन है, भगवान का भजन क्यों करना चाहिए, थोड़ा बहुत इस विषय में जानते ही हैं, और कुछ नहीं तो बेसिक पूजा वगैरह तो हर लोग करते ही हैं। लेकिन ये एक ऐसे महापुरुष हुए जिन्होंने विदेश में जाकर भी जो है भगवान कृष्ण का और ये सनातन धर्म का पूर्ण रूप से प्रचार किया। और जो विदेशी लोग थे जिनको भजन के बारे में भगवान के बारे में कुछ नहीं पता था, जिनका आचरण तक शुद्ध नहीं था, उन लोगों को इन्होंने भजन में लगाया। इनका ये जो महापुरुष थे इनका जन्म बंगाल में कहीं हुआ था और ये शुरू से ही वैष्णव परिवार में इनके माता पिता भी दोनों वैष्णव थे। और ये जब इनके गुरुदेव, मैं सीधा स्किप कर रहा हूँ काफी सारा पार्ट, इनकी एजुकेशन काफी अच्छी एजुकेशन हुई थी, ये जो है मेडिकल में थे और फार्मास्यूटिकल्स की जो मेडिसिन होती है उनसे उनका इनका बिजनेस था,
उसको ही आगे बढ़ाते बढ़ाते ये अपने गुरुदेव, इनके जो गुरुदेव थे नित्य लीला प्रविष्ण विष्णुपाद अशोदर्श शीर्षण भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद, उनसे जब ये पहली बार ही मिले थे तो पहली बार ही इनको देखकर और उन्होंने बोला था कि तुम तो बहुत ही पढ़े लिखे विद्वान लगते हो, तुम्हारी अंग्रेजी भी अच्छी है, तुम्हें चैतन्य महाप्रभु की वाणी का जो है विश्व भर में प्रचार करना चाहिए। अब देखो यहाँ पर सोचने वाली बात होती है कि आप इससे पहली बार मिल रहे हो, कोई स्ट्रेंजर है, उससे आप एकदम इतनी कॉन्फिडेंट बात तो कहोगे नहीं। यहाँ पर ये चीज बता रहे हैं कि किस प्रकार जो है गुरु शिष्य का जो संबंध होता है वो नित्य है। ऐसा नहीं होता कि हम गुरुदेव से मिले फिर हमारा संबंध गठन हुआ, ये जो है गुरु शिष्य का संबंध नित्य होता है। और भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद ने पहले मुलाकात में ही उनसे जो है इस बात को कहा। उस समय पर जो है भक्तिवेदांत स्वामी महाराज, क्योंकि तब जो है स्वतंत्रता आंदोलन चल रहा था 1965 से, उससे पहले की बात है, तो उस समय पर जो है स्वामी महाराज जी जो है गांधी जी और सुभाष चंद्र बोस, इन सारी चीजों से इन सब से बहुत ही इन्फ्लुएंस थे, इन सबसे बहुत प्रभावित थे। तो उसके विषय में भी जो है इन्होंने अपने गुरुदेव से चर्चा करी कि मुझे लगता है कि देश को आजाद करवाना, देश को स्वतंत्रता सबसे ज्यादा पहले जरूरी है, क्योंकि किसी के पराधीन होकर और हम जो है ये भजन वगैरह कर नहीं पाएंगे, हम मुक्त नहीं है, तो ये चीज जरूरी है। तो उसका खंडन करते हुए कि गुरुदेव ने बहुत एक अच्छी बात बताई कि जीव जो है वो हर समय पराधीन ही है, जीव जो है कभी स्वतंत्र रहता है, स्वतंत्र रहा है, इसी वजह से वो दुख भोग कर रहा है। अगर वो किसी के अंडर में रहेगा और भगवान, क्योंकि हमारा जीव जो है वो क्या बताया है, हमारे शास्त्र में बताया है कि जीवे स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास, हम जो है भगवान के नित्य दास है, हम सेवक ही है, हमें किसी के गाइडेंस में अंडर में ही रहना है। अगर हम स्वतंत्र रहने की कोशिश करेंगे तो फिर जिस प्रकार इस संसार में दुख भोग कर रहे हैं तो करेंगे। तो इस देश से देश को आजाद करवाने के बजाय जो भगवान चैतन्य महाप्रभु की जो वाणी है उसका प्रचार यदि तुम करोगे तो वो सबसे श्रेष्ठ चीज है। तो तभी के समय पर, क्योंकि ये गृहस्थ जीवन में थे, इन्होंने अपनी गुरु की आज्ञा को सुना तो, लेकिन इतना परिपूर्ण रूप में पालन किया नहीं। बाद में इनका क्या हुआ, ये वृंदावन में आकर रहने लगे। वृंदावन में आने के बाद में काफी एज, ओल्ड एज में, शायद 70 ईयर्स के बाद में, 75 ईयर्स में इन्होंने जो है विदेश में ट्रैवल, फर्स्ट इनकी जर्नी करी। जो कार्गो शिप्स होते हैं जिसमें कलकत्ता से सामान जाता था, तो वहां से इन्होंने वो शिप्स के अंदर बैठकर जो है विदेश गए। और ट्रैवल करते वक्त ही ऐसा बताते हैं इनको हार्ट अटैक तक हुआ था। हार्ट अटैक होने के बाद भी संभव इनको, और इन्होंने स्वप्न में दर्शन किया जैसे एक बहुत ही अर्धात समुद्र है, समुद्र के अंदर क्या हो रहा है कि ये एक बोट है, बहुत छोटी सी बोट है, और उसके ऊपर ये स्वामी महाराज जी बैठे हैं, और भगवान के जो दशा अवतार है वो दशा अवतार चारों तरफ से बोट को चला रहे हैं, इनकी रक्षा कर रहे हैं, ऐसा उनको जो स्वप्न में दर्शन हुआ। और फिर ये वापस तुरंत ही, ये दर्शन होने के बाद में तुरंत ही है जो वो ठीक हो गए थे। ठीक होने के बाद में विश्व में जाकर देखो उन्होंने प्रचार किया। अभी जैसे मैं आपसे कुछ कहूँ कि आप जो है ग्रंथ पढ़ा करो, माला करा करो, ये चीज प्याज लहसुन छोड़ दो, मांस छोड़ दो, कोई हमारी बात मानेगा नहीं। क्यों? क्योंकि हमारी बात में कोई भजन, हमारा भजन नहीं तो हमारी बात कोई मानेगा नहीं। लेकिन ये एक ऐसे महापुरुष थे, इनके भजन में इतना बल था कि ये अकेले वहां जाकर, और इन्हों के पास ना ही तो धन बल था, ना ही कोई व्यक्ति इनके साथ में विशेष था, ऐसी एक जगह पर जाकर जहाँ कोई इनको जानता नहीं है, कोई इनकी बात को मानता नहीं है, वहां पर जाकर इन्होंने जो है सनातन धर्म का प्रचार किया। शुरू शुरू के दिनों में जब इनका प्रचार चालू हुआ था तभी के में तो ऐसा भी हुआ था कि ये खुद ही जो भक्त आने वाले हैं उनको प्रसाद, उनके लिए प्रसाद बनाते थे, उनको फिर कथा कीर्तन करते थे, उनको भगवान का नाम सुनाते थे। और उसके विषय में फिर भगवान का नाम कथा कीर्तन सब सुनाते थे। और बाद में वो लोग जब प्रसाद पाके, जो लोग जो भी डिवोटीज आते थे सुनने के लिए, वो जब प्रसाद पाते थे, प्रसाद पाने के बाद में उनके बर्तन वगैरह भी स्वामी महाराज जी साफ किया करते थे। इतनी चेष्टा करके, इतना परिश्रम करके इन लोगों ने देखो आज जो आप विश्व भर में प्रचार देख रहे हो, ये एक अकेली पर्सनैलिटी ऐसी जिन्होंने ये सारी चीजें करी। एक बार क्या हुआ, स्वामी महाराज जी से किसी ने प्रश्न किया, बोले कि आप जो है बताते हो कि हमारा भारत की जो संस्कृति है, ये सारी चीजें ये महान है, और आज की जो सो कॉल्ड साइंस है ये इसी का ही पार्ट है या फिर एकदम यूजलेस है। तो बोले कि इस साइंस ने ही तो एयरप्लेन बनाया, इस साइंस ने ही कार वगैरह ये सब बनाई है, आप ये एयरोप्लेन और ये सब यूज क्यों कर रहे हो? तो साईं महाराज जी ने तुरंत उसका उत्तर देते हुए कहा कि इस साइंस को यूजफुल बनाने के लिए ही मैं इस चीज का यूज कर रहा हूँ, वरना इसको, अगर इसको कृष्ण की सेवा में, इसको कृष्णा कॉन्शियसनेस में नहीं लगाया गया तो ये वेस्ट है। इससे ना शुरू शुरू में जब उन लोग प्रचार करने गए थे तो उन्होंने प्रश्न किया, वो वहां पर क्या कर रहे थे,
नाम संकीर्तन कर रहे थे, अर्थात एक पब्लिक पार्क में बैठकर जो है कीर्तन कर रहे थे, भगवान का नाम कर रहे थे, हरे कृष्ण महामंत्र का गान कर रहे थे। तो किसी ने पूछा कि ये जो आप कर रहे हो इससे किस टाइप की कॉन्शियसनेस डेवलप होगी, अर्थात इस्कॉन, आपने नाम से इस्कॉन की फुल फॉर्म सब जानते हैं, इस्कॉन की फुल फॉर्म है इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस, अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ, ठीक है। तो किसी ने प्रश्न किया कि किस प्रकार की कॉन्शियसनेस डेवलप होगी इससे, तो उन्होंने तुरंत छूटते उत्तर दिया कि कृष्ण कॉन्शियसनेस डेवलप होगी, अर्थात आपकी भावना जो है वो कृष्ण में लग जाएगी। तो पद्यावली में एक श्लोक आता है कि कृष्ण भक्ति रस भाविता मति कृताम यदि कुतो अपि लभ्यते तत्र लौल्यम अपि मूल्यम एकलम। तो उसके अंदर बता रहे हैं कि इसी श्लोक को आधार करते हुए भक्तिवेदांत स्वामी महाराज जी ने इस कौन की रचना करी कि उन्होंने विश्व भर में जो सेंटर्स खोले हैं शाहर, जहाँ पर जो इतना विशाल रूप में कथा कीर्तन ठाकुर की आरती श्रृंगार ये सब होता है, ये सब उन्होंने खोल के उनका उद्देश्य क्या था कि वहाँ पे जो दर्शन करने के लिए जो लोग आए हैं उनके हृदय में एक लोभ उत्पन्न हो जाए, उनके हृदय में एक लोभ उत्पन्न हो जाए कि यह कितना सुंदर दर्शन है, कितने सुंदर भगवान की आरती होती है, कितना सुंदर तरीके से लोग यहाँ गा रहे हैं नृत्य कर रहे हैं। तो इस श्लोक में वर्णन करते हैं कि कृष्ण भक्ति रस भाविता मति क्रेताम यदि कुतो अपि लभ्यते तत्र लौल्यम एकलम, तत्र लौल्यम उसको बताया गया कि जो लोभ है इस भगवान को जानने का या भगवान की कथाओं में भगवान के नाम में अगर किसी का लोभ उत्पन्न हो जाए तो उस लोभ से ही जो है भव सागर से पार हो जाएगा। तो इसको आधार करते हुए भक्तिवेदांत स्वामी महाराज जी ने अलग अलग सेंटर्स के प्रचार किया और स्वामी महाराज जी का जो संन्यास था वो हमारे परम गुरुदेव जो है भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज जी उन्हीं से हुआ था। और ये जो इनिशियली जैसे आप देखोगे जो इस्कॉन जो है हमारे गौड़ी संप्रदाय से अलग नहीं है, वो भी गौड़ी संप्रदाय के अंतर्गत ही आप कह सकते हो। तो वो जो लोग वो देने आए थे भक्तिवेदांत स्वामी महाराज जी उसी को ही हमारी पूरी गुरु परंपरा ने सर्वत्र विश्व प्रचार किया है, जो परमारतम निधिलीला प्रविष्ट विष्णुपाद शिष्य भक्तिवेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी जिनकी छवि आप उस तरफ देख रहे हो, उन्होंने भी जो है 32 बार 33 बार कितनी बार पूरे विश्व का भ्रमण करके और इसी चीज को इसी लोभ को उत्पन्न करने के लिए लोगों के विषय में लोगों के बीच में वो गए और उन्होंने अपनी हरिकथा के माध्यम से उस चीज को प्रचार किया। हमारे गुरुदेव भी इसी लोभ को देने के लिए यहाँ पर आए हैं, हर साल यहाँ पर जो कथा होती है उसका उद्देश्य यही है किसी प्रकार लोग जो है भगवान कृष्ण से जुड़े और भजन करके अपने आप को अपने जीवन को सार्थक करें। यही बोलते हुए अपने वक्तव्य को ध्यान देता हूँ। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे 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 राम हरे राम राम हरे हरे। मुझे बोलना तुम कोई भाई कर रहा अब क्या चले जाओगे कहाँ गया और इसमें रुक जाओ खरीद हरे कृष्णा। देखो अभी जो बच्चा कथा सुना रहा था ना अभी इंजीनियर है ये कंप्यूटर इंजीनियर है नौकरी करता है बढ़िया तनख्वाह इसकी है लेकिन देखो भगवान कथा सुना रहा था इसलिए आप लोग भी अपना बच्चे को भक्त बनाओ पढ़ाई करे लिखाई करे नौकरी करे पैसा कमाए सब कुछ करे हैं भगवान सब कुछ छोड़ने के लिए नहीं कहते हैं। ठाकुर जी कहते हर चीज को मेरे से जोड़ो किसी चीज को छोड़ने का जरूरत नहीं हर चीज को भगवान की भक्ति में जोड़ दो फिर तो वो पढ़ाई भी सक्सेसफुल हो जाएगी। इसलिए आप लोग अपना बच्चों को भी कोशिश करना जैसे ये भक्ति में लगे कोशिश करना जैसे बच्चे भक्ति कर ले सकते सामने ओम अज्ञान तिमिरंधस्य ज्ञानंजन शलाक्या चक्षुरोन्मीलितं येन तस्मै गुरवे नमः हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत वसुदे श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिव सादि गौरवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। मैं सर्वप्रथम अपने दीक्षा शिक्षक गुरुपाद पर परम पूज परम आदरणीय व्यासाचार्य काशी
भक्ति वेदक श्रीधर गोस्वामी अनंत कोटि के दंड पर समस्त गुरु परंपरा के चरणों में अनंत कोटि प्रकट करूं और यहाँ पे उपस्थित चरणों में हम लोग बड़े सौभाग्यशाली है या भगवान की कथा सात सात दिन के लिए भगवान की वास्तव में ऐसा है कि हम लोग सौभाग्यशाली भगवान की कथा सुनकर वास्तव में अगर हम सौभाग्यशाली हमारा को जिससे बहुत फायदा होगा बड़ा में अगर हम देखेंगे या दिल्ली लोग भी नहीं होंगे अगर वास्तव में कथा से अधिकतर लोग अगर हम देखेंगे तो यही मानते हैं कि कथा कीर्तन जैसे अभी मैंने बोला कि मुझे जो है छुट्टी चाहिए चार पाँच दिन की बोले क्यों बोले पागल नहीं है वो कथा सुनने के लिए जाए और अपने गाँव में भाग लेगी एक बार एक साल पहले गुरु जी लगभग दो साल पहले गुरु जी के पास आई गुरु जी रहती हो तो वो जी शादी शुदा थी बोले गुरु जी थे वो कहते कि कथा सुन के किसी से ही थोड़ा सब कुछ हो जाएगा और एक बार अभी मैं एक बच्चे थे लोग कथा सुनने के लिए आना मेरे गुरु जी की कथा हो रही है यहाँ पे तो मैं पढ़ूंगा तो ऐसे भी लोग हैं कि जो लोग कहते कथा से कुछ नहीं होने वाला ठीक है तो अब हमें ये समझना पड़ेगा कि वास्तव में कथा है क्या कि हमारा कल्याण हो भी रहा है इससे और अगर कल्याण हो रहा तो ये हिंदी के लोग ही क्यों आ रहे हैं यहाँ पे सारे लोग क्यों नहीं आ रहे तो एक शास्त्र में एक श्लोक है धर्मो ही तेसाम अधिको विशेषा धर्मेण हीना पशु ही समाना मतलब जानवरों में और इंसानों में इसमें अंतर बताया शास्त्र की बात है ये मैं नहीं बोल रहा हूँ अपने मन से शास्त्र क्या कह रहे हैं जो व्यक्ति धर्म का पालन करेगा वो तो इंसान है और जो धर्म का पालन नहीं करेगा वो क्या है जानवर पशु के समान है अब धर्म क्या है ये तो बात तो बहुत बड़ी है जो व्यक्ति धर्म का पालन करेगा वही व्यक्ति जो है इंसान है बाकी सारे व्यक्ति जितने भी है चाहे वो दो पैर पे मनुष्य शरीर क्यों नहीं मिला हो लेकिन वो जानवर के तुल्य है तो उसमें बताते हैं कि जो है ऐसा क्यों कि हम लोग अगर ऐसा तो धर्म के लिए भगवान कृष्ण बोला कि धर्मंतु साक्षात भगवत प्रणीता धर्म क्या है भगवान की वाणी है साक्षात कैसे कि अगर 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 हम धर्म का पालन नहीं करते हैं तो क्या होता है तो जो लोग धर्म का पालन नहीं कर रहे हैं उनके साथ क्या हो रहा है जो धर्म का पालन कर रहे हैं उनके साथ क्या हो रहा हम लोग बाहर देखते लोग क्या कर रहे हैं शराब पी रहे शराब पी के नाली में पड़े रहते कोई भी जो व्यक्ति यहाँ पे कथा सुनने के लिए आएगा वो कभी ऐसा नहीं होगा कि वो जो है शराब पिएगा शराब पी के नाली में गिरेगा या गुटखा बीड़ी तम्बाकू देखो एक मनुष्य की विशेषता होती है कि मनुष्य को सही गलत की पहचान होती कि हम गुटखे पे रैपर पे देखते हैं उसमें कैंसर का निशान बना हुआ था सिगरेट पे देखो फेफड़े गले हुए हैं लेकिन फिर भी हम सिगरेट और तम्बाकू ये क्यों पी रहे हैं क्योंकि हम लोग जानवर के तुल्य हैं जो लोग पीते हैं ना ऐसे वो वास्तव में इंसान नहीं है वो जानवर के तुल्य उन्हें समझ अपने ही बारे में नहीं पता कि क्या सही है क्या गलत है और जो लोग कथा सुनेंगे तो उनका क्या होगा मंगल अब भगवान ने बोला है कि जो धर्म का पालन करेगा तो धर्म का पालन कौन करेगा जिसको धर्म के बारे में पता होगा और धर्म के बारे में किसको पता होगा जो आगे कथा सुनेगा जब जो धर्म के बारे में सुनेगा ही नहीं तो वो धर्म के बारे में कैसे जान सकता इसलिए जो है हमें कथा का सुन यहाँ पे आके सुनना बहुत जरूरी है अगर जो जो व्यक्ति यहाँ पे कथा आके सुन रहे हैं वास्तव में वही मनुष्य जो व्यक्ति ने कभी कथा सुनने के लिए नहीं जाते वो जानवर के तुल्य है और उनकी जो क्रिया है ना वास्तव में वो जानवर के जैसे ही वो अपने आप को कितना पढ़ा लिखा कुछ भी समझ ले वो वास्तव में उनकी क्रिया है जो है जानवर के जैसे ही है जैसे कि अभी अभी प्रभु जी बता रहे थे कि अभी आजादी की हमारी लड़ाई हुई थी कुछ टाइम पहले कुछ साल पहले 50-60 साल पहले तो महात्मा गांधी का उद्देश्य क्या था महात्मा गांधी का उद्देश्य ये था कि हम जो है अपने देश में फिर से राम राज्य की स्थापना करेंगे उनका वो उन लोग पूछते थे आप अंग्रेजों को बाहर क्यों निकालना चाहते थे उन्होंने कहा ये लोग अंग्रेज है ना अपनी संस्कृति को हमारे देश में स्थापित करना चाह रहे हैं जब हम अंग्रेजों को बाहर निकालेंगे और फिर उसके बाद हम अपने देश में राम राज्य चलाएंगे लेकिन दुर्भाग्य देखो लेकिन हम सारे लोग ही अंग्रेज बन गए ये हमारा बहुत बड़ा दुर्भाग्य है एक चिन्ह आता जिसको शायद आप लोग जानते हैं राष्ट्रीय चिन्ह बोलते किसी को पता क्या है वो एक अशोक चिन्ह है राष्ट्रीय चिन्ह जो हमारा अशोक चिन्ह है उसके नीचे क्या लिखा रहता सत्यमेव जयते सबको पता होगा क्या कभी कोई ऐसी बुक लिखी है जिसमें बच्चों को पढ़ाया जाए भैया सत्यमेव जयते जो हमारा राष्ट्रीय चिन्ह है उसका मतलब क्या है किसी को भी नहीं पढ़ाया गया ये हमारे देश का दुर्भाग्य है कि हम लोगों को पता तो सत्यमेव जयते सत्य क्या है वो हिंदू धर्म में लोगों को पता लेकिन वो भी जैसे ये छोटी बड़ी बात आ रही थी क्या आदमी मर जाए राम नाम सत्य है गोपाल नाम सत्य है
तो सत्य में क्या है? सत्य सत्य वास्तव में है भगवान, भगवान का नाम वही एकमात्र सत्य वस्तु है, उसके अलावा कोई भी वस्तु जो है सत्य नहीं है। ठीक है, तो अभी हमें ये समझना पड़ेगा कि कथा के माध्यम से ही हम ये समझ सकते हैं कि क्या सही है और क्या गलत है। तो इसलिए हम जितने भी लोग यहाँ पे आ रहे हैं कथा को सुनो। अब कथा तो सुनने के लिए बहुत सारे लोग आते हैं, लेकिन कथा को वास्तव में सुनना कैसे चाहिए वो मैं थोड़ा बताता हूँ। ये चार दोस्त है, चार दोस्त थे, तो उनसे किसी ने बोला कि भैया कल सुबह 3:30 बजे आप लोगों को एक बहुत जरूरी विशेष काम है, अगर तुम यहाँ पे अगर मेरे पास आ जाओगे, उसने बुलाया, तो मैं तुम्हें जो है एक बहुत ही अहम वस्तु दूंगा, बहुत ही ज्यादा। तो उन चारों दोस्तों ने कहा ये तो बड़ी बात, अच्छी बात है, ठीक है। उन लोगों ने क्या किया कि आजकल हमारे मोबाइल में अलार्म होता है, तो उन सब लोगों ने क्या किया, अपने अपने घर गए, अलार्म उसमें लगा लिया मोबाइल में कि हम सुबह 3:30 बजे उठ के हमें जाना है। तब एक लड़का ने क्या किया, अलार्म तो बजा उसका, देखो उसने सुना ही नहीं और सोते ही रह गए। 6 बजे उसकी आंख खुली, उसने कहा लो मैं तो जा नहीं पाया। दूसरे व्यक्ति था, उसने अलार्म बजा, सुना, लेकिन एक अलार्म में एक ऑप्शन होता है स्नूज, स्नूज ऑप्शन होता है एक अलार्म में, आप लोगों ने पता होगा जो अलार्म लगाता हुआ, उससे क्या होता था अलार्म क्या होगा उस टाइम के लिए रुक जाएगा, लेकिन 5 मिनट बाद फिर बोलेगा। फिर वो उसने स्नूज कर दिया, फिर क्या हुआ अलार्म उस टाइम के लिए रुक गया, फिर 5 मिनट बाद बोला, ऐसे करके वो सो ही गया, फिर वो उठा ही नहीं। तीसरे व्यक्ति ने क्या किया, अलार्म सुना, अलार्म को कंफर्म ही किया, और क्या होगा थोड़ी देर बिस्तर पे बैठा, सोचा हाँ जाना है जाना है, और सोचते सोचते क्या होगा फिर से सो गया वो। अब तीसरा जो व्यक्ति था उसने क्या किया, सुना उसने अलार्म भी सुना, और अलार्म सुनते ही उठ के बढ़िया नहा धो के और निकल गया। तो उसको उसको क्या हुआ कि उसको उस कंपनी में जो जो जिसने बुलाया था उसको उस, जो लड़के थे उसने उसको अपनी कंपनी का डायरेक्टर बना दिया। वो देख रहा था कौन आ सकता 3:30 बजे, आजकल के टाइम पे तो ये बड़ी बात है कि कोई 3:30 बजे उठ भी नहीं सकता, ये इतनी बड़ी बात है। तो अब हो गया, अब इससे हमें ये समझना ये पड़ेगा कि कथा और हम लोगों के जीवन में भी बिल्कुल इसका बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस है। कैसे, कथा सुनने के लिए बहुत सारे लोग आते हैं, कई लोग ऐसे होते कथा आएंगे लेकिन और चले आएंगे तो सुनेंगे नहीं। पहले वाले व्यक्ति ने क्या किया, आया वो उसने क्या किया अलार्म लगाए, लेकिन अलार्म उसने सुने नहीं और सोता रह गया। ऐसे हम लोग क्या, महाराज जी यहाँ पे क्या ये अलार्म चल रहा है हमारे जीवन का, यहाँ पे हम लोग आते तो महाराज जी क्या बताते कि हमें क्या करना क्या नहीं करना, धर्म के बारे में बताते, धर्म का पालन कैसे करना वो सब बताते, और जब हम धर्म के बारे में जानेंगे नहीं तो पालन कैसे करेंगे। तो कई लोग आते तो कथा सुनने के लिए, लेकिन वो कभी उनसे जैसे आज 20 साल पहले थे ऐसे ही आ जाए, प्याज लहसुन सब खाएंगे और सब कुछ करेंगे अपने, लेकिन कभी जो है क्यों उनसे मुझे कथा सुन, अरे मुझे नहीं पता, मैंने 20 साल से होगा उन्होंने आज तक एक लाइन भी नहीं सुनी कि वास्तव में कथा उन्होंने सुन के क्या गए। तो ऐसे लोग आते अपने प्रसाद पाए चले गए, गलन कंटी नहीं, तिलक नहीं, हरिनाम नहीं करते, फिर आना और नहीं आना बराबर है, तभी सुनना सार्थकता है जब अपना जीवन में उतारे। इसलिए उतारना मतलब गले में कंठी होनी चाहिए, तिलक होनी चाहिए और भगवान का नाम होना चाहिए। इसलिए हमारे एक संत कहते थे अगर इसी जगत में आप अमेरिका, लंदन, फ्रांस जाना चाहते हो, तुम्हारे पास में 3 चीज होनी चाहिए तभी जा सकते हो। 3 चीज क्या है, पहला नंबर पासपोर्ट, दूसरे नंबर वीजा और तीसरा नंबर टिकट, तभी आप विदेश इसी दुनिया में अगर जाना चाहते हो। उसी तरह अगर गोलोक वृंदावन जाना चाहते हो, हमारे पास में 3 चीज होनी चाहिए, पहला नंबर पासपोर्ट, बोले पासपोर्ट क्या, बोले गले में कंठी, दूसरे नंबर वीजा, बोले वीजा क्या, ये तिलक, और तीसरा नंबर टिकट, तो टिकट क्या है, भगवान का नाम। ये 3 चीज होनी चाहिए तभी आप वहां तक जा सकते, नहीं तो नहीं जा सकते। इसलिए तभी कथा सुनना सार्थकता है जब अपना जीवन में उतारे, ठीक है ना। इसलिए प्रभु यही बताना चाह रहे थे, आप इनके लिए जोरदार तालियां। हमारे बीच में एक विशाखा दीदी है, अब ये बच्चे लोगों नाटक करने के लिए तैयार, 5 मिनट, ठीक है। एक दीदी है हमारी, ये विशाखा दीदी, ये पहले रहती थी मोरी गेट में, वहाँ पर रहते समय इसके गुरु जी की शिष्या है, वहाँ पर उन्होंने बहुत प्रोग्राम अच्छे कराए, वहाँ पर उन्होंने बहुत भक्तों को उन्होंने जुड़ा। अभी उन्होंने ये चली गई ग्रेटर नोएडा में, और ग्रेटर नोएडा में ये दीदी बहुत अच्छी प्रचार कर रही है, और उन्होंने बहुत भक्तों को उन्होंने जोड़ा। ये अपना घर में सबको बुला बुला करके रोज रोज, मैंने पहले अपने पुस्तक दिया था भक्ति भिक्षा, अब भी याद होगा, मतलब अपना घर में कैसे ये भक्ति भिक्षा बोल सकते हो,
दूसरे भक्तों को बुला करके कैसे कथा करोगे, कैसे भक्ति में लगाओगे। मैंने तो दिया लेकिन कोई इसमें सक्सेसफुल नहीं हुआ, कोई जुड़े नहीं, लेकिन ये दीदी ने सक्सेसफुल हुआ और अपना घर में रोज कथा करती हैं। और कथा करते 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 अभी हर साल भागवत कथा होती है और हर साल हम वहाँ जाते थे, जन्माष्टमी आते कीर्तन करते थे। उन्होंने बहुत सारे लोगों को भक्ति में जुड़े और ऐसे भक्तों को जुड़े आप सोच नहीं सकते जो तीन दिन में एक एक लाख हरिनाम, ऐसे माताओं को उसने जोड़ी एक एक लाख एकदम फिक्स रूप में वो माताएं हरिनाम करती है, क्योंकि ये स्वयं अपना जीवन में उतारती। इनके पति हैं, दो बेटे से आप यहाँ पर आए, इनके दो बेटे, इनके पति, ऐसे ने घर का काम नहीं करती, सास ससुर आप सोच नहीं सकते, सबको प्रसन्न करती है। सास को इतने सेवा की, ससुर को उसने इतने सेवा की, पति बच्चे सबको देखती हैं, उसको साथ में भी हरिनाम करती हैं और वहाँ क्लास देती है, हरी कथा सुनाती। अब दीदी थोड़ी सी कुछ बोलेंगी, इसको बाद में फिर नाटक ज्ञान से ज्ञान मिलता है, श्रीधर गुरु स्वामी महाराज जी के चरण कमलों में तत्पश्चात माता बैठे सभी वैष्णव वैष्णव वैष्णवी माता भाई बहनों सबके चरणों में खड़े होकर महाराज जी जो इतना सब बोल रहे हैं वो महाराज जी के कारण ही संभव हो पाता है। अभी जैसे गुरिंदर ने भी बताया कि हम किसी को भी बोले हमारे अंदर इतनी सामर्थ्य नहीं है कि कोई हमारी बात मान सके, बस मैं इतना थोड़ा सा काम कर देती हूँ कि महाराज जी को मिलवा देती हूँ लोगों से, खींचने का कार्य सारा कार्य गुरुदेव महाराज जी अपने आप करते हैं। आप सब लोग महाराज जी से कथा सुनने के लिए यहाँ बैठे हैं, इसलिए ज़्यादा समय न लेके बहुत छोटी सी कथा है गुरु जी से महाराज जी से ही सुन रही आपको बताऊँगी कि हमारी स्थिति यहाँ पर कैसी है और हमें यहाँ से कैसे कोई आगे ले जा सकता है, हमें यहाँ पे कैसे हम प्रसन्न हो सकते हैं। एक राजा था, उसका बेटा छोटी सी बात पे घर से नाराज होकर चला गया और बहुत दूर चला गया और राजा उस अपने बेटे के दुख में बहुत दुखी, राजकाज करता था पर सदैव रोता रहता था अपने बेटे की याद में। उसने बहुत सारे लोगों को भेजा अपने बेटे को बुलाने के लिए पर कोई भी ढूंढ नहीं पाया क्योंकि वो बहुत दूर निकल गया था। तो एक मंत्री ने राजा से पूछा कि राजा आप किस तरह से प्रसन्न हो गए, आपके दुख का क्या कारण है, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। तो उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे मेरा एक बेटा था, बचपन में उसे थोड़ा सा मैंने डांट दिया उसकी गलती पर, वो मेरे से बुरा मान के बहुत दूर चला गया। तो मंत्री जो था वो बोला कि महाराज मैं आपके बेटे को वापस लाने की कोशिश करता हूँ। तो वो जो है राजा के बेटे को ढूंढता एक जगह पहुंचा, उसने जाके देखा राजा का बेटा एक चाय वाले की दुकान पे बर्तन मांज रहा है। उसने उसकी स्थिति इतनी दयनीय स्थिति देखी कि देखो कहाँ राजा का बेटा जिसके लिए छप्पन भोग प्यार सोने की थाली में इतना सुंदर बिस्तर, जिसके माता पिता इतने प्रेम करने वाले, इतना सब कुछ उसको उपलब्ध है, परंतु एक गलती के अपने पिता से बुरा मान के कहाँ आ गया और यहाँ पे क्या दो रोटी खाने के लिए उसे झूठे बर्तन मांजने पड़ रहे हैं, इतनी दयनीय उसकी स्थिति। तो उसने सोचा कि सीधे एकदम उसको बताने के बजाय उसने उस बच्चे से दोस्ती करने की कोशिश की और उस दुकान वाले क्या उसने भी काम कर लिया, उसके यहाँ पे नौकर बन के काम करने लगा और उसके साथ धीरे धीरे बहुत दोस्त बन गया उस बच्चे का। और फिर एक दिन उसका मन टटोलते हुए पूछा कि भाई तेरा कोई घर बार तो होगा, तू यहाँ कैसे आया, कौन लाया तुझे यहाँ। तो फिर जब वो क्योंकि विश्वास पात्र बन चुका था, वो उसको अपना दोस्त समझता था, अभी तक उसने किसी को ये बात नहीं बताई हुई थी क्योंकि कितनी लज्जा की बात है कि एक राजा का बेटा आके ऐसे बर्तन धो रहा है। तो मुझे लगा कि ये किसी को नहीं बताएगा, ये तो मेरा प्रिय मित्र है। उसने उसे बताया ऐसे ऐसे मैं तो उस देश के राजा का बेटा हूँ, परंतु मैंने एक गलती कर दी कि अपने पिता से मैं नाराज हो गई यहाँ आ गया और आज मैं कोई ये दशा हो कर मेरी ये दुर्दशा हो गई। तो राजा उस मंत्री ने बोला इसमें बुरा
होता ही क्या, इसमें मतलब परेशानी क्या, अब चल अपने घर वापस राजा के पास चल वहाँ पे। बोला नहीं, मैं ना अब जाने में संकोच करता हूँ, पता नहीं मेरे पिता मेरे से कैसे व्यवहार करेंगे और मैं जा नहीं सकता। जब उसने वो देखा कि बच्चा भी जाना चाहता है अपने पिता के पास, तब उसने बड़े प्यार से समझाया उसे कि मैं तेरे पिता का मंत्री हूँ और मैंने तेरे पिता को तेरे लिए कितना रोता हुआ देखा है, तू एक और तुझे लेने के लिए उसने हजारों आदमी भेजे, किसी को मिला नहीं तू, और मेरे को बड़ी मुश्किल से तू अब मिला है, मुझे लेने के लिए तेरे पिता ने ही भेजा है, तू मेरे साथ चल और तेरे पिता तुझे कभी नहीं मारेंगे, कभी नहीं डांटेंगे, वो तो तेरी इंतजार में बैठे हैं कि कब तू आए और मुझे गले लगाए, तू चल मेरे साथ। इस तरह से समझा बुझा के वो मंत्री जो है राजा के बेटे को राजा के पास ले जाते हैं, और जैसे ही वो अपने घर पहुँचता है, पिता अपने बच्चे को गले से लगाते हैं, बच्चा अपने पिता के गले लग के रोता है, और बस एक गलती जो उसने की थी, घर से बाहर चला गया था, उसकी कितनी बुरी दुर्दशा, और घर वापस आते ही अब उसे धोती की चिंता, रहने की चिंता, खाने की चिंता, कोई चिंता नहीं, सब कुछ व्यवस्था उसके पिता करके दे रहे हैं उसको, उसके पास सब कुछ है। इस कहानी के पीछे क्या उद्देश्य है वो मैं थोड़ा सा समझाऊंगी। ये जो मंत्री था, ये मंत्री कौन था, राजा का निज जन, राजा का जन, और ये कैसे आके हमारे साथ अपना पन दिखा के हमें उस राजा के बेटे को लेके जाते हैं। ऐसे ही ये जो मंत्री है ये हमारे गुरुजन होते हैं, ये गुरुजन आके हमें राजा जो हमारे पिता हैं उनके पास वापस लेके जाते हैं। अगर कोई सीधा आके तुम्हें पहले से बोलेगा ना मारा करो ये करो वो करो, हम कोई नहीं जाने वाले, हम उसे आगे क्या पूछते, गुरु जी तेरा घर बार थी, तेरे बच्चे थी, तुझे कुछ चाहिए, कैसे है, ऐसे प्यार से मीठी मीठी बातें, हमें ना ये इतने अपने लग जाते हैं कि नहीं ये तो मेरे हैं। फिर धीरे 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 हम इनसे अपने मन की बात कहते हैं, ये परेशानी, वो परेशानी, वो परेशानी, परेशानियाँ सुनते 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 हमें एक दिन हमारे पिता के पास हमारी परेशानियों का मूल जो कारण है वो हमें समझाते हैं कि तू परेशान इसलिए है क्योंकि तूने अपने पिता का घर छोड़ दिया है, अगर वापस तो अपने पिता के पास चला जाएगा तो सारी परेशानी खत्म। तो बच्चा जो अपने माँ बाप से नाराज हो गया है वो सब हम सब है, राजा हमारे पिता जो है वो भगवान है, और वो मंत्री जो है वो हमारे गुरुदेव है। आज ये फिर से हमें सबको ले जाने के लिए आए हैं, ये हमारे ऊपर है कि हम कितने इन्हें अपने समझ के इनकी बातें माने और इनके पीछे पीछे चल दें, ये होगा कोई भी गवाना मत। हरे कृष्ण। अब ये बच्चे लोग बोलो नाटक सुन लो, हाँ बच्चे लोग अभी नाटक करेंगे। आप लोग भी ये विशाखा दीदी जैसे एक एक बनो, अगर आप लोग ऐसे एक विशाखा दीदी बनोगे ना, महाप्रभु का भविष्यवाणी है, एक दिन ऐसे दिन आएगा विश्व ब्रह्मांड कृष्ण भक्ति में सराबोर हो जाएंगे। इसलिए जितने माताएं बैठ रहे हो कथा सुन रहे हो, क्या करना, अपना घर वाले आपका घर को पास में जो व्यक्ति है उनको भी भक्ति की बात सुनाओ। और ले लो तेज करो बच्चों का माइक को, तेज करो एक देखो पहले ऑन करो माइक, तेज करो माइक वाले, इसका माइक तेज करो, कोई माइक चल नहीं रहा, चेक कर लो सारे चल रहे, देखो सब माइक चल रहे हैं। आप
Gracias.
Thank you.
रे 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 श्याम सुंदर आप तो बड़े ही बोरे हो अभी तो आप यो कह रहे थे कि प्यारी श्याम श्यामा जी की मुदरिया हो गई है तो उनके हाथ बड़े ही सोने लग रहे होंगे और अब आप यो कह रहे हो कि मैं मुदरिया मुदरिया जानू ही ना ऐसे विश्वास नहीं करेगी नहीं है ना तो चल श्यामा जी के पास चलना है ठीक है ना हाँ तुम्हारी ना मेरी हाँ हाँ श्याम सुंदर तो चाहे नहीं चलो चलो तुम लोग चलो 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 नीचे को देखो
बहुत हो गई खत्म, अब मैं जा रहा हूँ। तुमने मैं कब तक पकड़ रखा हूँ, मेरी मैया मेरी राह ना देख रही है। हाँ, हम लोग जा रहे हैं अपने गैया बचराने चलाऊंगा, जा रहा हूँ मैं। पाँच मिनट लगे ना, ये बच्ची हो गए लीला दिखाई। देखो हरि कौन है, महेश गणेश सुरसव जाहिं निरंतर ध्यान। लेकिन कृष्ण कौन है, जिनकी चरणों को पाने के लिए कहते यद्यपि समाधि स्वरूप विधिरपि पश्यति न तव न भागमनचि। हमारे रूप गोस्वामी कहते हैं जिनकी चरण की छटाओं को दर्शन करने के लिए ब्रह्मा कितने कठोर तपस्या करते हैं, लेकिन कृष्ण का चरण को नखों का ज्योति को भी दर्शन नहीं कर पाते। लेकिन आज देखो ये भक्तों का प्रेम में भसीभूत होकर के कैसे इनकी चरण में कैसे माफी मांग रहे हैं, और इनके प्रेम में भसीभूत होकर के कैसे हार खा रहे हैं। यदि यही ब्रज की प्रेम है, यही ब्रज की प्रेम, जहाँ पर सब जगह में इनको भगवान मानते हैं, लेकिन ब्रज में इनको कोई भी भगवान नहीं मानते हैं। कोई सखा मानते हैं, कोई लाला मानते हैं, कोई अपना प्रिय लोग मानते हैं। क्यों, इनके अंदर में ब्रजवासियों का अंदर में ऐसे भक्ति है। इसलिए उद्धव जैसे व्यक्ति भी जब ये गोपियों के प्रेम को देखे, राधा रानी की प्रेम को देखे, उद्धव जैसे व्यक्ति कहते हैं गयो बजाय चरण की एक धूल। गोपी प्रेम थी विपिन प्रभु जी अब प्यारे शिष्य है बोलते हैं, ये भी अच्छी नौकरी ग्यारह दुनिया में कथा अच्छी लोग कुछ लीला करेंगे। उसके बाद जन्म हुए कंस के अत्याचार की कथा। हाँ बोलो। नमो विष्णुपादाय शुक्रदाय नेत्रानंद भक्त वृंद श्री भोलेनाथ कृष्ण नित्य लीला भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी देवी साष्टांग प्रणाम। तत्पश्चात संपूर्ण रूप प्यासी उत्सव पर रूपरेखा में भागवत के अनेकाष्टमी का उत्सव है, अनेकानेक स्थानों पर जिसके प्रकार से स्वरूप है उसका। आप मंदिर दक्षिणा लेते हैं, थोड़ा प्रसाद लेते हैं, घर आ जाते हैं। लेकिन इस स्थान पर जिस प्रकार से हम लोग बड़े धैर्य से महाराज जी के वाक्य को बहुत दिन को जो मैंने अपने गुरु वर्गों से सुनी है, हम सब गौड़ीय मठ से संबंधित हैं। और गौड़ीय मठ का अर्थ वह परंपरा जो पूर्ण रूप से शास्त्र पर आधारित है। भगवान ने गीता में कहा कि यत्र शास्त्र की उत्सच्य वर्तते काम कारता, शास्त्र को परे करके भक्ति की कोई भी अगर क्रिया की जाती है तो मनमर्जी से की गई भक्ति का स्थान जो है हमारे गौड़ीय मठ के जो मूल हैं श्री भक्ति से ने प्रस्तुत किया, उसी के लिए एक दो विचार धैर्य से इस बात। यहाँ संसार में अनेकानेक विषय वस्तु, कृष्ण का जन्म होगा लेकिन किसके हृदय में होगा। इस श्री कृष्ण जन्माष्टमी है, सब कोई अपने घर से कुछ ना कुछ भेंट लेकर के आएगा, लेकिन कौन से ऐसे जन है जिनके हृदय में श्री कृष्ण का प्रादुर्भाव होगा। हमारे पर